बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू अनदर वीडियो अ मैकेनिकल इंजीनियरिंग फंडामेंटल। सो दिस इज़ लेक्चर फाइव। लेक्चर फाइव में हम पढ़ेंगे मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस। सो देर आर डिफरेंट टाइप ऑफ मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस लाइक कास्टिंग, लाइक मोल्डिंग, लाइक मशीनिंग, वेल्डिंग एंड मैनी अदर लाइक दिस। और उनके भी सब कैटेगरीज है, सब टाइप्स है। लाइक कास्टिंग में कोई बहुत सारे टाइप्स हैं, मोल्डिंग में डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स है लाइक इंजेक्शन मोल्डिंग, ब्लो मोल्डिंग एंड दिस टाइप ऑफ थिंग्स। सो मशीनिंग में इट्स बहुत सारे टाइप्स है फर्दर। सो इसको ये एक बहुत ही ब्रॉड कैटेगरी है, बहुत ही ब्रॉड टर्म है मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस को डिस्कस करना। सो मैंने कोशिश की है कि एक ही लेक्चर में समराइज करूं एंड आप तक बात पहुंचाने की कोशिश करूं कि व्हाट आर द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस एंड देयर टाइप्स। एंड आपको एक समझाने की कोशिश की है कि व्हाट आर द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस बेसिकली। सो लेट्स स्टार्ट। Manufacturing process is basically a complex activity concerned with different people, concerned with people who have broad number of disciplines and expertise and wide range of machinery, tools and equipments with numerous levels of automation such as computer, robots and other equipments. So manufacturing process hai kya basically? Manufacturing process is a complex activity concerned with people who have broad number of disciplines and expertise and wide range of machinery, tools and equipment with numerous levels of automation such as computers, robot and other equipment. So this is the basic definition of manufacturing process, but not limited to this definition. So har ek books mein dekhenge, har ek research paper mein dekhenge to alag alag aapko definition milegi. Har author ne research paper mein ya books mein alag alag iski definition likhi hui hai. So this is the one definition. So manufacturing process, manufacturing pursuits must be receptive to the several needs and developments. So this depend on the developments and the needs. So these are the examples. Kuch yahan pe examples diye hue hain manufacturing process ke. So like this, agar aapko for example, this is the example of milling machining aapko ho rahi hai. So for example, if you need to draw a circle on a steel, सो एक स्टील के ऊपर सर्कल ड्रॉ करना, सर्कल इंग्रेव करना बहुत मुश्किल काम है क्योंकि बहुत स्टील बहुत हार्ड होता है. सो फॉर दिस वी नीड अ मिलिंग मशीनिंग. सो दिस इज मिलिंग मशीनिंग हैपनिंग हेयर. मिलिंग मशीनिंग है क्या, उसको हम लेटर डिस्कस करेंगे इन दी सेक्शन ऑफ मशीनिंग. सो राइट नाउ दिस इज मिलिंग मशीनिंग. सो यहाँ पे एक कार की मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, कार की मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, लाइक कार की एक असेंबली लाइन है. So this is another example of manufacturing process. So these two are the example of एक food industry का एक assembly line लग रही है. So these are the three different example of machining manufacturing process. Engineers in manufacturing. So अभी हम manufacturing processes के बारे में discuss कर रहे हैं. So जब भी हम manufacturing process के बारे में discuss करेंगे तो वहाँ पे manufacturing industry का जिक्र आएगा. फॉर एग्जाम्पल आपने बाइक का एक पार्ट बनाना है या फिर कोई ऑटोमोटिव का एक पार्ट बनाना है, मशीन का पार्ट बनाना है. सो आपको एक इंडस्ट्री चाहिए होगी. मैन्युफैक्चरिंग फॉर डेट मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस टू बी परफॉर्म आपको एक इंडस्ट्री चाहिए होगी. सो उस इंडस्ट्री में कौन कौन से इंजीनियर काम करते हैं या कौन कौन से इंजीनियर्स की रिक्वायरमेंट होती है इन द मैन्युफैक्चरिंग फील्ड. सो फर्स्ट इज मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियर. मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियर क्या करता है, सेलेक्ट एंड कोऑर्डिनेट स्पेसिफिक प्रोसेसेस एंड इक्विपमेंट्स. सो इंडस्ट्रियल इंजीनियर रिस्पॉन्सिबल फॉर मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम डिजाइन. मटेरियल इंजीनियर क्या कर रहे होते हैं, डेवलप एंड सिलेक्ट बेस ऑन डिजायर्ड मटेरियल प्रॉपर्टीज एंड मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस. सो नॉट नेसेसरी कि ये तीन इंजीनियर्स वहाँ पे मिले आपको, और भी फर्दर बहुत सारे और भी इंजीनियर्स होंगे. सो फॉर द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस टू बी परफॉर्म, फॉर द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस टू बी परफॉर्म यू नीड थ्री डिफरेंट इंजीनियर्स. फर्स्ट इज मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियर्स, सेकंड इज इंडस्ट्रियल इंजीनियर एंड थर्ड इज मटेरियल्स इंजीनियर. सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशंस एंड प्रोसेसेस डिजाइन टू क्रिएट अ स्पेसिफिक प्रोडक्ट. सो फॉर एग्जाम्पल इफ यू नीड टू मैनुफैक्चर अ कार, इफ यू नीड टू मैनुफैक्चर अ मोबाइल फोन, देर आर मल्टीपल स्टेजेस इन्वॉल्व, मल्टीपल ऑपरेशन एंड मल्टीपल प्रोसेस इन्वॉल्व. सो दैट मल्टीपल प्रोसेसेस एंड देन मल्टीपल ऑपरेशन
आर कॉल्ड मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस। सो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस के बहुत सारे टाइप्स हैं, बहुत सारे कैटेगरीज हैं। व्हाट आर दोस? सो फर्स्ट इज कास्टिंग, मोल्डिंग, फॉर्मिंग, मशीनिंग, ज्वाइनिंग एंड एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग। सो दीज आर द टाइप्स, हम इसको फर्दर वन बाई वन डिस्कस करेंगे। सो फर्स्ट इज कास्टिंग, कास्टिंग को हम डिस्कस करेंगे। कास्टिंग इज मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस इन विच लिक्विड मटेरियल इज यूजुअली पोर्ड इन टू मोल्ड विच कंटेन हॉलो कैविटी ऑफ ए डिजायर्ड शेप देन अलाउड टू सॉलिडिफाई। आप कास्टिंग में क्या कर रहे होते हैं? कास्टिंग में तीन स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं। आप एक मोल्ड में लिक्विड मटेरियल को आप इंजेक्ट करते हैं, आप पोर करते हैं एंड देन अलाउ टू सॉलिडिफाई। आप सॉलिडिफाई होने के वेट करते हैं या कूल करते हैं उसको एंड देन यू गेट अ कास्टेड पार्ट। सो तीन प्रोसेस, तीन स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं इसमें। जस्ट आप एक लिक्विड को, आप एक सॉलिड पार्ट को लिक्विड पार्ट में कन्वर्ट करते हैं बाय मीन्स ऑफ हीट। सपोज आपने स्टील को कास्ट करना है तो स्टील को आप बाय ऑन ए हाई टेम्परेचर आप हीट करेंगे एंड देन पोर करेंगे इन टू ए मोल्ड। देन पोर इन टू ए मोल्ड, ठीक है जी। लिक्विड को डेट स्टील को आप कन्वर्ट करेंगे लिक्विड में और लिक्विड में कन्वर्ट करने के बाद आप पोर करेंगे इन अ मोल्ड। सो विच इज अ होलो कैविटी, आपको जिस डिजायर्ड शेप में आपको जो चीज़ चाहिए होती है, जो प्रोडक्ट आपको चाहिए होता है, उस तरह के आप एक मोल्ड बनाएंगे। आप एक उर्दू में कहेंगे तो सांचा बनाएंगे। सो देन अलाउ टू सॉलिडिफाई। सो थ्री स्टेप्स इन्वॉल्व है। फर्स्ट आप लिक्विड में कन्वर्ट करेंगे किसी भी सॉलिड को, किसी भी चीज़ को जो कि जिसको आपने कास्ट करना है उसको लिक्विड में कन्वर्ट करेंगे एंड देन पोर्ट इन टू अ मोल्ड। और उसके बाद एक मोल्ड में, एक हॉलो कैविटी में आप उसको इंजेक्ट करेंगे, उसको पोर करेंगे एंड देन अलाउ इट टू सॉलिडिफाई और उसको सॉलिडिफाई करेंगे, उसको कूल करेंगे और सॉलिडिफाई करेंगे। The solid part is also known as casting, which is ejected or broken out of the mold to complete the process. So solidified part को हम casting कहेंगे, जिसको हम solidified part को कैसे निकालते हैं बाहर? By simply आप eject करते हैं, simply आप बाहर निकालते हैं या फिर आप पूरे mold को तोड़ देते हो, basically broken out of the mold to complete the process. So solidified part को बाहर निकालने के लिए either you eject simply either या फिर आप पूरे मोल्ड को आप तोड़ रहे होते बेसिकली। कास्टिंग मटेरियल आर यूजुअली मेटल्स और वेरियस टाइम सेटिंग मटेरियल्स डेटकर आफ्टर मिक्सिंग टू आर मोर कंपोनेंट्स इपोक्सी कंक्रीट प्लास्टर एंड क्ले। सो कास्टिंग मटेरियल, कास्ट करने के लिए जो मटेरियल आप यूज करते हैं, सर फॉर एग्जाम्पल स्टील के मटेरियल को कास्ट करना है तो उसके लिए जो कास्टिंग मटेरियल को आप, कास्टिंग मटेरियल कौन कौन से यूज करते हैं? इपॉक्सी, कंक्रीट, प्लास्टर एंड क्ले। सो कास्टिंग इज ऑफन यूज फॉर मेकिंग कॉम्प्लेक्स शेप दैट वुड बी अदरवाइज डिफिकल्ट और इकोनॉमिकल टू मेक अदर मेथड्स। सो यहाँ पे एक एग्जांपल दिया हुआ है। सो लेट्स टॉक अबाउट दिस एग्जांपल। सो इस एग्जाम्पल की अगर बात करें तो दिस इज अ केसिंग ऑफ अ सेंट्रीफ्यूगल पंप। सेंट्रीफ्यूगल पंप की एक केसिंग है जिसको कास्ट करना, जिसको मैन्युफैक्चर करना बहुत मुश्किल काम है। सो अगर कास्टिंग के अलावा कोई और मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस की बात करें तो बहुत ही मुश्किल होगा क्योंकि आप देख सकते हैं कि यहाँ से लेकर यहाँ तक हर जगह से इसकी डायमेंशन चेंज हो रही है और प्रोफाइल चेंज हो रही है। तो इस वजह से ये बहुत मुश्किल काम है किसी और मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस से बनाना, फॉर एग्जांपल मशीनिंग से बनाना, फॉर एग्जांपल 3D प्रिंटिंग से बनाना बहुत मुश्किल काम है। सो दैट्स व्हाई कास्टिंग इज सिंपल एंड एज ए प्रोसेस टू मैन्युफैक्चर दिस पार्ट। हैवी इक्विपमेंट्स लाइक मशीन टूल्स बेट शिप्स प्रोपेलर कैन एजिली इन द रिक्वायर्ड साइज कैन बी कास्ट एजिली इन द रिक्वायर्ड साइज रादर देन फैब्रिकेटिंग बाय ज्वाइनिंग सेवरल पीसेस। शिप्स की प्रोपेलर की बात करें, आप प्रोपेलर की बात करें तो प्रोपेलर इज अ वेरी कॉम्प्लेक्स शेप। सो एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स शेप होता है, हर जगह से डायमेंशन चेंज हो रही होती है और वो बहुत ही क्रिटिकल भी होता है, बहुत ज़्यादा लोड भी इन्वॉल्व होता है। सो अगर कास्टिंग के अलावा किसी और
प्रोसेस से अगर इसको मैन्युफैक्चर करेंगे तो क्या करना पड़ेगा कि आपको फर्द मल्टीपल स्टेजेस से डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स मैन्युफैक्चर करने पड़ेंगे और इसको कंबाइन करना पड़ेगा। सो रादर आप कास्टिंग करेंगे उसको कास्ट करेंगे ऐसे प्रोपेलर को, सो एक ही मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस से बनेगा और ज़्यादा ड्यूरेबल होगा और ज़्यादा अच्छा ये पार्ट बनेगा। सो कंक्लूडिंग दिस राइट, व्हाट इज कास्टिंग? कास्टिंग इन्वॉल्व्स थ्री स्टेप्स। द इन फर्स्ट स्टेप यू नीड टू लिक्विफाई अ सॉलिड एंड देन यू हैव टू पोर दैट लिक्विड मटेरियल इन टू अ मोल्ड एंड देन अलाउ टू सॉलिडिफाई। आप क्या करते हो, पहले आप लिक्विड मटेरियल में कन्वर्ट करते हो, देन पोर करते हो एंड देन सॉलिडिफाई करते हो। सो कास्टिंग मटेरियल्स क्या कौन कौन से हैं? इपॉक्सी, कॉन्क्रीट एंड प्लास्टर आर कास्टिंग मटेरियल। सो बहुत ही कॉम्प्लेक्स शेप को बनाने के लिए इस्तेमाल होता है और यहाँ पे एग्जाम्पल भी दिया हुआ है। दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ सेंट्रिफ्यूगल पंप केसिंग। सेंट्रिफ्यूगल पंप केसिंग का एग्जाम्पल है जिसको जो कि बहुत कॉम्प्लेक्स है और इसको हम कास्टिंग से हम बनाते हैं। सो कास्टिंग में हो क्या रहा है, बेसिकली यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, आप लिक्विफाई करते हो और इसको पोर करते हो एक मोल्ड में एंड देन अलाउ टू सॉलिडिफाई। सो बेसिक्स ऑफ कास्टिंग्स। सो लिक्विड मेटल इज पोर्ड इन टू मोल्ड कैविटी दैट मैचेस द शेप एंड साइज ऑफ द पार्ट। The production method that waits for it to cool and solidify to obtain the blank of a part. Blank or part is usually called metal liquid forming or casting. So as we discussed in previous lecture, metal casting hai kya cheez basically. So in this casting process, liquid metal is poured into cavity. So jis tarah humne pehle discuss kiya tha, ek cavity hoti hai, ek mold hoti hai, so usme आप लिक्विड मेटल को आप पोर करते हैं, मेटल मेटल को आप लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं एंड देन पोर्ड इन टू मोल्ड एंड देन अलाउ इट टू सॉलिडिफाई। सो लाइक दिस, अगर आपको फॉर एग्जांपल ये पार्ट चाहिए, सो आप क्या करते हैं कि इसी का एक पैटर्न बनाते हैं, इसी का एक मोल्ड बनाते हैं बेसिकली। सो लाइक फॉर एग्जाम्पल दिस इज द मोल्ड। सो ये एक मोल्ड बना हुआ है इस चीज़ का, इसी चीज़ का मतलब लाइक इसका एग्जैक्टली इसी शेप का बना होगा बट टू हाफ्स में। लाइक फॉर एग्जाम्पल इसको अगर दो हाफ में डिवाइड करेंगे, सो फर्स्ट हाफ इज दिस एंड सेकेंड हाफ इज दिस। सो इसको कंबाइन करेंगे तो एक मोल्ड बन गया, कंबाइन करेंगे तो मोल्ड बन गया एंड देन आप क्या कर रहे होते हैं कि आप लिक्विड मेटल को आप पोर कर रहे होते हैं। पोर करने के बाद आप जब सॉलिडिफाई करने के बाद आप दोनों पार्ट्स को अलग करते हैं एंड देन यू कैन गेट द कास्टेड पार्ट। सो दिस इज द सिंपल स्टेप्स। फर्दर हम इसको पढ़ेंगे सैंड कास्टिंग के टाइप्स में। सो सैंड कास्टिंग में है तो खुद ही क्या चीज, उसको हम डिटेल से पढ़ेंगे, लेकिन ये तीन स्टेप्स ही इन्वॉल्व होते हैं। पहले आप क्या करते हैं कि लिक्विड मेटल को आप पोर करते हैं इन द मोल्ड एंड देन बाई ओपनिंग द मोल्ड बाई अलाउिंग टू सॉलिडिफाई, सॉलिडिफाई करने के बाद आपके पास ये पार्ट फाइनली बन के आ जाता है। सो दिस इज द बेसिक स्टेप्स। लिक्विड मेटल होता है आपके पास, इसको फिल करते हैं इन द मोल्ड एंड देन सॉलिडिफिकेशन श्रिंकेज। आप सॉलिडिफिकेशन कर रहे होते हैं, आप इसको कुछ टाइम के लिए रख रहे होते हैं इन द एयर या फिर आप कूल कर रहे होते हैं बाई मीन्स ऑफ वाटर, बाई मीन्स ऑफ अदर ऑयल्स। सो देन आपके पास फाइनली एक कास्टेड मेटल बन के आ जाता है। सो कंक्लूडिंग दिस स्लाइड, व्हाट इज कास्टिंग? सो देर आर थ्री स्टेप्स इन्वॉल्व इन कास्टिंग। यू हैव टू लिक्विफाई द मेटल, यू हैव टू पोर दैट लिक्विफाइड मेटल इन टू द मोल्ड कैविटी एंड देन आफ्टर सॉलिडिफिकेशन यू गेट अ कास्टेड पार्ट। So now the process characteristics. It can produce a part with a complicated shape, especially those with complicated inner cavity shape. So as I said before कि ये complicated shape बनाने के लिए casting process बहुत ही मशहूर है। Like for example, कोई complex shape है from the inner part of the engine, so उसको बनाने के लिए ये use करते हैं जो कि किसी और process से possible नहीं है। Strong adaptability, limited alloy types and almost unlimited casting size. Wide source of material, waste can be remelted and equipment investment is low.
सो फॉर एग्जांपल आप मोल्ड बनाने के बाद आपका प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है, मोल्ड बन जाता है, आपका प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है। सो उसी जो जो प्रीवियसली आपने मोल्ड के लिए बनाने के लिए जो मटेरियल यूज़ किया है, जो सैंड यूज़ किया है, जो क्ले यूज़ किया है, उसको दोबारा से किसी और पर्पज़ के लिए आप यूज़ कर सकते हैं, कोई और कुछ और भी कास्ट कर सकते हैं उसी मटेरियल से। हाई स्क्रैप रेट, लो सरफेस क्वालिटी एंड पुअर लेबर कंडीशन। सो इसका ड्रॉबैक यह है कि स्क्रैप रेट बहुत ज़्यादा होता है और लो सरफेस क्वालिटी होती है। ऑब्वियसली ये एक मोल्ड के अंदर होता है, सो दैट्स वाई इसकी सरफेस क्वालिटी बहुत लो होती है, इसके अंदर एयर बबल्स होते हैं, उसके अंदर पोर्स बहुत ज़्यादा आ जाता है। सो दैट्स वाई इसकी एक डिसएडवांटेजेस में से एक ये है कि इसकी सरफेस क्वालिटी बहुत लो होती है, स्क्रैप रेट बहुत ज़्यादा होती है एंड पुअर लेबर कंडीशंस। सो ऑब्वियसली आप इसको मेटल को हीट करते हैं, इसका मतलब ये होता है कि आप उसको हैंडल करना बहुत मुश्किल होता है। सो फॉर एग्जांपल आपने एक मेटल को, एक स्टील के पार्ट को आपने कास्ट करना है, लेट्स सपोज इसका एग्जांपल ले लेते हैं। सो इसको आपने कास्ट करना है। सो इसको कास्ट करने के लिए जो ऑब्वियसली ये स्टील से बना हुआ है, सो स्टील को अबव 100 डिग्री सी या 2000 डिग्री सी पे आपने उसको हीट करना होता है, तभी स्टील मेल्ट होगा और उस मेल्टेड स्टील को आपने पोर करना है इनटू द मोल्ड। सो इसी के तरह के एक मोल्ड बना होगा। सो इसी के पैटर्न का एक मोल्ड बना होगा, उसके अंदर हमने पोर करना होता। आप इस प्रोसेस को आप देख सकते हैं कि कितना मुश्किल काम है। लेबर के पुअर लेबर कंडीशंस का ये मतलब है कि आपने उस पूरे प्रोसेस को हैंडल करना बहुत मुश्किल हो जाता है। मतलब मेल्टेड स्टील एट ए टेम्परेचर ऑफ 1000 या उससे अबव, सो उसको आपने पोर करना है इनटू द मोल्ड। सो ये प्रोसेस बहुत ही कॉम्प्लेक्स है, बहुत ही मुश्किल है, डेट्स वाई पुअर लेबर कंडीशन इज अनदर डिसएडवांटेजेस ऑफ द कास्टिंग। सो डिफरेंट टाइप्स के कास्टिंग है। फर्स्ट इज सैंड कास्टिंग, इन्वेस्टमेंट कास्टिंग, डाई कास्टिंग, लो प्रेशर कास्टिंग, सेंट्रिफ्यूगल कास्टिंग, ग्रेविटी डाई कास्टिंग, वैक्यूम डाई कास्टिंग, सिक्रीजिंग, लो कॉस्ट फॉर्मिंग कंटिन्यूअल। सो दीज आर द 10 डिफरेंट टाइप्स ऑफ द कास्टिंग। सो एज आई सेड बिफोर कि इस पूरे प्रोसेस को, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस ऑलरेडी इतना बड़ा है, इसको समराइज करके 5-6 डिफरेंट टाइप्स में से ही डिफरेंट कैटेगरीज में मैंने डिवाइड किया है। सो इसको फर्दर फर्दर वन वन टू वन डिस्कस करेंगे, व्हाट इज कास्टिंग, व्हाट इज मोल्डिंग, व्हाट इज फॉर्मिंग, व्हाट इज मशीनिंग। सो अभी हमने कास्टिंग को हमने डिस्कस कर लिया। कास्टिंग में फर्दर 10 और टाइप्स है जिसको हम एक एक करके अलग अलग डिस्कस नहीं कर सकते, क्योंकि ये फिर पूरा दिन लग जाएगा, पूरा एक सेमेस्टर लग जाएगा अगर मैं पूरे मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस को वन टू वन डिस्कस करूंगा तो। आपको समझने के लिए कि व्हाट इज कास्टिंग प्रोसेस, तो हमने देख लिया पिछले पिछले स्लाइड्स में। फर्दर हम मैंने डिसाइड किया कि हर टाइप्स ऑफ मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में से एक एक टाइप को हम डिस्कस करेंगे जो कि बहुत ज़्यादा फेमस है। सो लाइक इन दिस प्रोसेस, इन दिस कास्टिंग प्रोसेस, द सैंड कास्टिंग इज वेरी फेमस, सो वी विल डिस्कस अबाउट द सैंड कास्टिंग। इसी तरह मोल्डिंग में से भी एक टाइप को हम डिस्कस करेंगे, फॉर्मिंग में से एक टाइप्स को हम डिस्कस करेंगे, मशीनिंग के एक टाइप को डिस्कस करेंगे, ज्वाइनिंग के एक टाइप को डिस्कस करेंगे। सो दीज आर द जो कि हमने मैंने स्ट्रेटजी बनाई थी कि वन फेमस पार्ट को हम डिस्कस करेंगे। सो कंक्लूडिंग दिस स्लाइड, कास्टिंग के फर्दर 10 टाइप्स हैं। सो फर्स्ट टाइप इज सैंड कास्टिंग, विच इज ऑल्सो फेमस टाइप ऑफ कास्टिंग प्रोसेस। सो हम सैंड कास्टिंग को डिस्कस करेंगे। सो व्हाट इज सैंड कास्टिंग? सैंड कास्टिंग इज मोस्ट वर्सेटाइल अमॉन्ग द मैन्युफैक्चरिंग मेथड्स एंड गिव्स इंजीनियर द फ्रीडम टू डिजाइन कॉम्प्लेक्स पार्ट फ्रॉम अनलिमिटेड नंबर ऑफ मेटल एंड एलाइज। सो बहुत ही वर्सेटाइल ये प्रोसेस है एंड गिव्स इंजीनियर फ्रीडम टू डिजाइन कॉम्प्लेक्स पार्ट एंड अनलिमिटेड नंबर ऑफ मेटल्स। सो कॉम्प्लेक्स पार्ट को बनाने के लिए ये बहुत इस्तेमाल करते हैं। सो सैंड कास्टिंग इज ए मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस वेयर द मोल्टन मेटल इज पोर्ड इन टू एक्सपेंडेबल सैंड मोल्ड कैविटी इधर बाई ग्रेविटी और बाई फोर्स वेयर इट सॉलिडिफाइज टू फॉर्म। सो दिस इज द सेम प्रोसेस एज वी डिस्कस बिफोर। आप मोल्टन मटेरियल को पोर करते हैं इन दी
mold cavity either by gravity or by force, where it solidifies to form a cavity shape. सो आप मोल्टन मटेरियल को पोर करते हैं, लाइक इसमें पोर कर दिया आपने, सो उसको सॉलिडिफाई करते हैं एंड देन अलाउ इट टू सॉलिडिफाई टू फॉर्म अ कैविटी शेप. 3D ऑब्जेक्ट फॉर्म बाय दिस प्रोसेस इज आल्सो कॉल्ड कास्टिंग. मोस्ट कॉमन कास्टिंग कास्टिंग्स इंक्लूड इंजन ब्लॉक्स, सिलेंडर हेड्स एक्सेट्रा. सो कंक्लूडिंग दिस स्लाइड, व्हाट इज सैंड कास्टिंग? सैंड कास्टिंग इज अ वर्सेटाइल कास्टिंग प्रोसेस अमॉन्ग द मैनुफैक्चरिंग मैथड्स और मैनुफैक्चरिंग इंजीनियर्स. सो जिसको हम बहुत ही कॉम्प्लेक्स पार्ट बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं. सैंड कास्टिंग में 3 स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं. इसको आप मेटल को मेल्ट करते हैं, फिर उसके बाद पोर करते हैं इन टू द मोल्ड एंड देन अलाउ इट टू सॉलिडिफाई. सो 3D ऑब्जेक्ट्स फॉर्म होते हैं. ऑब्वियसली 3D ऑब्जेक्ट जो फॉर्म होते हैं उसको हम कास्टिंग भी कहते हैं. सो मोस्ट कॉमनली जो हम यूज करते हैं सैंड कास्टिंग को, वो है इंजन ब्लॉक्स बनाने के लिए, जो कि हम मैंने प्रीवियस स्लाइड में दिखाई थी. एक इंजन की केसिंग है जिसको हम इंजन ब्लॉक्स भी कहते हैं, उसको बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं एंड सिलेंडर हेड्स बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं. सो सिलेंडर हेड्स इज बेसिकली यूज इन इंजन बेसिकली. सो मोस्ट इंपॉर्टेंटली हाउ सैंड कास्टिंग प्रोसेस वर्क. सैंड कास्टिंग प्रोसेस है क्या और इसके डिफरेंट स्टेप्स क्या है? सो देर आर 6 डिफरेंट स्टेप्स. सो सैंड कास्टिंग के 6 डिफरेंट स्टेप्स हैं. सो अच्छा, स्टेप्स डिस्कस करने से पहले 2 और चीज़ें याद रखिएगा. फर्स्ट इज स्कोप एंड सेकेंड इज ड्रैग. सो स्कोप और ड्रैग क्या होता है? सो देर आर 2 पोर्शन ऑफ द मोल्ड. ये मोल्ड है, ठीक है, ये मोल्ड है. मोल्ड के 2 पोर्शन है, फर्स्ट हाफ एंड सेकेंड हाफ. फर्स्ट हाफ अपर पार्ट इज कॉल्ड स्कोप एंड द लोअर पार्ट इज कॉल्ड ड्रैग एंड द लोअर पोर्शन इज कॉल्ड ड्रैग. सो यहाँ पे लिखा हुआ है ड्रैग एंड स्कोप. सो आपने ये याद रखना है कि फर्स्ट अपर पार्ट ऑफ द मोल्ड इज कॉल्ड स्कोप एंड द लोअर पार्ट इज ऑफ द मोल्ड इज कॉल्ड ड्रैग. सो इसको मैं साफ कर देता हूँ. सो लेट्स स्टार्ट कि इसके स्टेप्स क्या है. अच्छा, फर्स्ट स्टेप में आप क्या कर रहे होते हैं? आप पैटर्न बना रहे होते हैं बेसिकली. वी कैन से द फर्स्ट एंड सेकेंड स्टेप, जो फर्स्ट एंड सेकेंड स्टेप में आप पैटर्न बना रहे होते हैं. ओके जी, व्हाट इज पैटर्न? पैटर्न इज द एक्चुअल रेप्लिका ऑफ द फाइनल प्रोडक्ट. फॉर एग्जाम्पल, आपने एक लाइक बनाना है, एक हैमर बनाना है. सो हैमर जिस तरह बनाएंगे आप, उसका एक्चुअल हैमर की तरह का एक पैटर्न बनाएंगे, एक होलो शेप बनाएंगे, जिसके अंदर आप क्या करेंगे, मटेरियल पोर करेंगे, फिर उसको कूल करने के बाद आपको एक्चुअल प्रोडक्ट बन के आएगा. सो आप अभी फर्स्ट एंड स्टेप सेकेंड स्टेप में आप क्या कर रहे होते हैं? आप पैटर्न बना रहे हो. तो सो व्हाट इज पैटर्न? पैटर्न इज द एक्चुअल रेप्लिका ऑफ द फाइनल प्रोडक्ट. आपने याद रखना है, व्हाट इज पैटर्न? पैटर्न इज द एक्चुअल रेप्लिका ऑफ द फाइनल प्रोडक्ट. सो फर्स्ट स्टेप में क्या कर रहे हो आप? सो फर्स्ट स्टेप में आप क्या कर रहे हो कि इन द ड्रैग आप, लेट सपोज आप पैटर्न के रेप्लिका का फर्स्ट हाफ. अच्छा, एक और भी कॉन्सेप्ट याद रखिएगा बिफोर स्टार्टिंग द प्रोसेस. सो मैंने पहले बोला कि व्हाट इज स्कोप एंड व्हाट इज ड्रैग. स्कोप इज द अपर पार्ट ऑफ द मोल्ड एंड ड्रैग इज द लोअर पार्ट ऑफ द मोल्ड. फर्दर वन एडिशनल थिंग यू नीड टू रिमेंबर कि मोल्ड बनाना है, फॉर एग्जांपल मोल्ड बनाना है या फिर पैटर्न बनाना है, तो पैटर्न बनाने के लिए सबसे जो बेसिक फिलॉसफी है वो याद आपने याद रखना है कि उस पैटर्न को आप 2 हाफ्स में डिवाइड करेंगे. फॉर एग्जांपल आपने लाइक मैंने बोला कि सीजर बनाना है या फिर हैमर बनाना है, तो हैमर को बाय इसको डिवाइड बाय 2 करेंगे. सो ताकि आसानी से आपके पास फाइनल प्रोडक्ट बन के आ जाए. सो लाइक फॉर एग्जांपल आपके पास ये फाइनल प्रोडक्ट की शेप होगी, तो ये फाइनल प्रोडक्ट जो है ना, इन इस सैंड कास्टिंग के बाद इस तरह की कुछ शेप आपके पास बन के आएगी. ठीक है जी. सो आप कर क्या रहे हैं ये? सो फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट को, दिस इज फर्स्ट पार्ट एंड दिस इज सेकंड पार्ट. सो उस एक ही पार्ट को 2 हाफ्स में डिवाइड कर दिया. सो डिवाइड इन सच अ वे डेट फर्स्ट जो हाफ ऑफ द पार्ट है वो ड्रैग में रहे या और हाफ ऑफ द पार्ट जो है वो कोब में रहे. सो इस तरह आप डिवाइड करेंगे. सो मैं अगेन रिपीट कर देता हूँ कि आपको
पैटर्न बनाने से पहले याद रखना है कि हाफ ऑफ द पोर्शन इस जो कि रहे कोप में और हाफ ऑफ द पोर्शन रहे ड्रैग में. सो बिल्कुल यही हुआ है. सो पहले सबसे पहले अगर हम ड्रैग की बात करें, वी आर टॉकिंग अबाउट द स्टेप वन. स्टेप वन में क्या कर रहे होते आप? बेसिकली स्टेप वन में आप एक ड्रैग में काम कर रहे होते हो. ठीक है, ड्रैग में आप हाफ ऑफ द पैटर्न आपने रखा. फॉर एग्जाम्पल सीजर की बात की हमने, सीजर का जो पोर्शन है उसकी जगह पे हमने एक सीजर इटसेल्फ आपने रखा ऊपर, और हाफ ऑफ द सीजर आपने रखा. कोई किसी भी तरह से आप बना सकते हैं. आप लकड़ी का बना सकते हैं. उस पैटर्न को बनाने के लिए लकड़ी का एक मॉडल बना लिया और उसको हाफ करके आपने ड्रैग में रखा और उसके ऊपर सेंड डाल दिया. ठीक है, आपने क्ले डाल दिया. सो बाय मीन्स ऑफ इपॉक्सी आप कह सकते हैं, या फिर कोई और बाय मीन्स ऑफ कोई और स्प्रे स्प्रे भी होती है इसके लिए. तो उस स्प्रे को करने के बाद ये सेंड थोड़ा बहुत हार्ड हो जाता है. सो उस हार्ड होने के बाद आप सेकेंड स्टेप में क्या करते हो? आप इसको फ्लिप करते हो. सो इसको फ्लिप करने के बाद आप क्या करो? तो अभी आपने ड्रैग में काम कर लिया, ड्रैग का काम अब खत्म हो गया. ड्रैग में आपने क्या कर लिया? आपने हाफ ऑफ द पोर्शन ऑफ द पैटर्न आपने बना लिया और उसके ऊपर यू हैव इंट्रोड्यूस्ड अ सैंड इनटू इट, एंड देन सैंड को थोड़ा सा हार्ड होने देते हैं. हार्ड होने के बाद माई मीन्स कुछ स्प्रे भी होते हैं हार्ड करने के लिए. स्प्रे करने के बाद जब हार्ड हो जाता है तो इसको आप फ्लिप करते हो, बेसिकली इन्वर्ट करते हो. ठीक है जी. सो अब आप कोप में काम करते हो, बेसिकली सेकेंड पार्ट पे हम हैं. सो आप कोप में काम करते हो. कोप में बिल्कुल सेम फिनोमेना होता है जस्ट लाइक वी डिड इन ड्रैग. सो कोप में आप क्या करते हो? कोप में भी आप जो बाकी जो पोर्शन है पैटर्न का वो आप बनाने के बाद ऊपर से सेंड इंट्रोड्यूस करते हैं यहाँ से. अच्छा, वन एडिशनल थिंग वी नीड टू डिस्कस हेयर इज स्प्रू पिन. स्प्रू पिन आप क्या करते हो? लेट सपोज आपने कोप और ड्रैग में पैटर्न बना लिया. लेट सपोज ये आपने पैटर्न बना लिया, पैटर्न का काम हो गया. बट ऑल्सो इन दिस पैटर्न यू हैव टू इंट्रोड्यूस स्प्रू पिन. स्प्रू पिन क्या करो? तो बेसिकली स्प्रू पिन से आप बेसिकली आप मटेरियल पोर कर रहे होते हो. ठीक है जी. आपने फर्स्ट स्टेप में आपने क्या कर लिया? आपने ड्रैग में आपने हाफ ऑफ द पैटर्न आपने बना लिया एंड देन सैंड इंट्रोड्यूस कर लिया. सेकेंड पार्ट में आपने क्या कर लिया? कोप में सेम प्रोसीजर आपने रिपीट की बट फॉर द अनदर पोर्शन ऑफ द पैटर्न. एडिशनली यू हैव ऑल्सो इंट्रोड्यूस प्रूफ पिन. और थर्ड पोर्शन में आपने क्या कर दिया? आपने सैंड को इंट्रोड्यूस कर दिया एंड देन आपने यहाँ से टाइट कर दिया. आपने टाइट कर दिया इसको. एंड देन फोर्थ स्टेप में आप क्या कर रहे होते हो? उन स्प्रू पिंस को और जो आपने पैटर्न के अंदर जो रखा था, जिस तरह मैंने बोला था कि अगर आपने हैमर बनाना है तो हैमर का एक्चुअली रेप्लिका आप बनाएंगे बाय मीन्स ऑफ सैंड, बाय मीन्स ऑफ पेपर, बाय मीन्स ऑफ पॉलीथीन या फिर कुछ और कह सकते हैं. सो वो बनाने के बाद आपने जस्ट सैंड जब थोड़ा सा हार्ड हो जाएगा, सैंड हार्ड होने के बाद आपने इन चीजों को यहाँ से निकाल देते हो. इन चीजों को यहाँ से निकाल दिया. That is our part step 4. And step 5 में आप क्या कर रहे हो? आपने अप टिल नाउ आपने क्या कर लिया? आपने पैटर्न बना लिया आपने एंड देन आपने स्प्रू पिन इंट्रोड्यूस किया आपने. जैसे स्प्रू पिन इंट्रोड्यूस करने के बाद आप छोटे छोटे होल कर देते हो, छोटे होल कर देते हो. लाइक फॉर एग्जाम्पल आपने एक सैंड है ना, सैंड हो तो थोड़ा सॉफ्ट होता है सैंड. सो बाई मीन्स ऑफ पिन आप क्या कर रहे हो? तो होल्स कर रहे होते हैं. बेसिकली होल्स का मकसद ये होता है कि जब आप मोल्ड को फिल कर रहे होते हो, या फॉर एग्जाम्पल यहाँ से आपने मोल्ड को फिल कर दिया बाय मीन्स ऑफ मोल्टन स्टील को आपने पोर कर दिया विद इन द मोल्ड इन द पैटर्न. सो आपने उस एयर पार्टिकल्स को, एयर बबल्स को रिमूव करने के लिए आप यहाँ से वेंट इंट्रोड्यूस किया आपने. ये दिस इज द वेंट. सो एयर पार्टिकल को रिमूव करने के लिए आपने वेंट इंट्रोड्यूस किया. एंड इन द लास्ट स्टेप यू हैव टू जस्ट पोर द मेटल, मोल्टन मेटल आपने इसमें पोर कर दिया एंड देन इसको थोड़े से टाइम के लिए रखते हैं, डिपेंड ऑन द रिक्वायरमेंट कि इसे कितनी रिक्वायरमेंट है. स्टील के लिए अलग रिक्वायरमेंट है, प्लास्टिक तो कम ही होता है. सो अल्यूमिनियम के लिए अलग रिक्वायरमेंट है कि इसको कितनी देर तक कूल करना चाहिए. सो कूल करने के बाद आप क्या करते हो? सिंपली आप क्या करते हो? यहाँ से जहाँ से टाइट किया हुआ है उसको खोलने के बाद आप जस्ट सैंड है तो सैंड को इसका आप बिल्कुल तोड़ देते हो.
तोड़ने के बाद फाइनली आपके पास ये पार्ट निकल के बाहर आएगा, फिर बाय मीन्स ऑफ मशीनिंग, बाय मीन्स ऑफ अदर टूल्स, आप इसको, इसकी जो फिनिशिंग है, सरफेस फिनिशिंग जिस तरह मैंने बोला था कि इतनी अच्छी नहीं होती, सो बाय मीन्स ऑफ अदर टूल्स आप सरफेस फिनिश कर रहे हो, ठीक है जी। सो देर आर सिक्स स्टेप्स कंक्लूडिंग दिस स्लाइड। वी आर टॉकिंग अबाउट द प्रोसेस ऑफ द सैंड कास्टिंग। सैंड कास्टिंग के स्टेप्स हम बता रहे हैं। सो फर्स्ट स्टेप्स एंड सेकेंड स्टेप में आप पैटर्न बना रहे होते हो, ठीक है जी। सो अच्छा, स्टेप्स को डिस्कस करने से पहले मैंने दो चीज़ें बताई थी, द अपर पोर्शन एंड द लोअर पोर्शन। अपर पोर्शन ऑफ द मोल्ड इज कॉल्ड कोप एंड द लोअर पोर्शन ऑफ द मोल्ड इज कॉल्ड ड्रैग। वन एडिशनल थिंग अबाउट दिस प्रोसेस इज दैट कि पैटर्न के बारे में हो रहा था, व्हाट इज पैटर्न, पैटर्न इज द एक्चुअल रेप्लिका ऑफ द फाइनल प्रोडक्ट। सो फाइनल प्रोडक्ट का एक्चुअल पार्ट इज कॉल्ड पैटर्न। सो फर्स्ट फर्स्ट स्टेप में आप क्या कर रहे हो, इसको मैं मिटा देता हूँ इनको। ओके जी, फर्स्ट स्टेप में आप क्या कर रहे हो, आप फर्स्ट स्टेप में आप ड्रैग में काम कर रहे हो बेसिकली, और ड्रैग में आप अपर या फिर लोअर हाफ ऑफ दी पैटर्न आप बना रहे हो। पैटर्न आपने बना लिया, फिर उसके बाद सैंड को इंट्रोड्यूस कर दिया आपने, एंड देन उसको फ्लिप कर दिया। फ्लिप करने के बाद आप सेकेंड स्टेप में आते हो। सेकेंड स्टेप में आने के बाद आप अपर पर्शन यानी कि कोप में आप काम कर रहे हो, तो कोप में दो चीज़ें कर रहे होते हैं आप। तो कोप में आप फर्स्ट चीज़ें हैं कि जो जो पैटर्न का जो पार्ट रह गया था, फर्स्ट हाफ ऑफ द पार्ट वी हैव इंट्रोड्यूस इन द ड्रैग एंड हाफ ऑफ द पार्ट वी विल नाउ इंट्रोड्यूस इन द कोप, ठीक है जी। और एडिशनली आप स्क्रू पिन इंट्रोड्यूस करते हैं। व्हाट इज स्क्रू पिन, स्क्रू पिन्स के थ्रू आप मटेरियल को पोर करते हैं। सो इन द थर्ड स्टेप आप इसके अंदर सैंड को इंट्रोड्यूस करते हैं। सैंड को इंट्रोड्यूस करने के बाद, सैंड को हार्ड करने के बाद, सैंड को इंट्रोड्यूस करने के बाद आप इसको यहाँ से टाइट करते हैं। टाइट करने के बाद इसको हार्ड होने देते फॉर द टाइम बीइंग, और हार्ड होने के बाद यू हैव टू अगेन ओपन द मोल्ड, ओपन द बोथ कोप एंड ड्रैग बेसिकली। सो कोप ऑन, कोप एंड ड्रैग ओपन करने के बाद आप स्क्रू पिन एंड डेट्स जो एक्चुअल रेप्लिका आपने बनाया था उसको आप रिमूव कर देते हो। सो राइट नाउ आपके पास फिफ्थ स्टेप में क्या है, आपके पास, आपके पास स्क्रू पिन है एंड होलो कैविटी है जो कि एक्चुअल में रेप्लिका है बेसिकली फॉर द फाइनल प्रोडक्ट। सो एडिशनली आप फिफ्थ स्टेप में आप वेंट इंट्रोड्यूस करते हैं। व्हाट इज द पर्पस ऑफ वेंट, आप वेंट का ये पर्पस है कि वहां से एयर बबल्स रिमूव हो जाते हैं। सो इन द लास्ट स्टेप आप जस्ट मटेरियल को पोर करते हैं इन टू डी मोल्ड, एंड वेंट के थ्रू मटेरियल जो है ना वो थोड़े से ऊपर की तरफ आ जाते हैं, जस्ट जिस तरह मैंने बोला था कि वेंट इसलिए होता है ताकि एयर बबल्स रिमूव हो जाए, एयर बबल्स ट्रैप ना हो जाए। सो दिस इज द लास्ट स्टेप, एंड देन फाइनली आपके पास जब प्रोडक्ट निकल के बाहर आ जाएगा, सो जिस तरह मैंने बोला था कि इसकी फिनिशिंग अच्छी नहीं होती, सो फिनिशिंग को अच्छी करने के लिए आप मशीनिंग कर रहे होते हो, आप बाय मीन्स ऑफ अदर टूल्स आप इसकी सरफेस फिनिशिंग अच्छी कर रहे होते हो। सो दिस इज द सेम थिंग्स जो कि मैंने बोला था इन द लास्ट स्लाइड। सो आप उसको मैं रिपीट नहीं कर रहा जस्ट टू सेव द टाइम, क्योंकि स्लाइड ऑलरेडी काफ़ी बड़ी है। सो जस्ट टू सेव द टाइम मैं इसको स्किप कर रहा हूँ। सो आप वीडियो को पॉज करके आप देख सकते हैं, इसको पढ़ सकते हैं बेसिकली। ओके, व्हाट इज द एडवांटेजेस एंड व्हाट इज द डिसएडवांटेजेस। लार्ज पार्ट कैन बी प्रोड्यूस्ड, वी ऑलरेडी डिस्कस्ड। कॉम्प्लेक्स शेप कैन कास्ट इट इजिली। लार्ज सेक्शन ऑफ द मेटल टू चूज फ्रॉम। टूलिंग एंड इक्विपमेंट कॉस्ट इज लो एज कम्पेयर टू अदर मेटल फॉर्मिंग प्रोसेस। स्क्रैप मेटल कैन बी रिसाइकल्ड शॉर्ट लेट कंपेयर टू द अदर सिमिलर प्रोसेस। सो आप स्क्रैप जो है ना आप दोबारा से रीयूज कर सकते हैं। इसका मेन फायदा यही है कि आप कॉम्प्लेक्स शेप बना सकते हो, बहुत बड़े बड़े पार्ट्स भी बना सकते हो, एंड टूलिंग एंड इक्विपमेंट कॉस्ट इज वेरी लो, क्योंकि सैंड है बेसिकली, सैंड हर जगह अवेलेबल होता है। सो टूलिंग एंड इक्विपमेंट प्रोसेस कॉस्ट इज वेरी लो, एंड जब एक बार स्क्रैप बन जाता है उसको आप दोबारा से बना सकते हो, क्योंकि सैंड है, सैंड कभी ख़राब नहीं होती। तो फॉर एग्जांपल एक मोल्ड बनाने के लिए आपने सैंड यूज़ किया, उसको रिसाइकल करके दोबारा भी बना सकते हो। एडिशनली जो मेटल है, मेटल को आपने हीट कर दिया मोल्टन फॉर्म में,
आ गया, फिर उसके बाद आपने पोर कर दिया एंड देन फाइनल प्रोडक्ट बन के आ गया। एंड देन एडिशनली कुछ चीज़ स्क्रैप में बच जाता है, कुछ चीज़ एडिशनल बच जाता है, उसको आप उसको भी आप रिसाइकल कर करके दोबारा यूज़ कर सकते हैं। डिसएडवांटेजेस ये है कि उसकी स्ट्रेंथ कम होती है, लो डायमेंशनल एक्यूरेसी होती है, जिस तरह के मैंने पहले बोला था कि इसके सरफेस फिनिशिंग और डायमेंशनल एक्यूरेसी इतनी अच्छी नहीं होती, सरफेस फिनिश बहुत ही ख़राब होते हैं, हाई पोरोसिटी। लाइक राइजर को इंट्रोड्यूस करने का मकसद यह था कि वहाँ से एयर वेंट रिमूव हो जाए, एयर पार्टिकल्स रिमूव हो जाए, लेकिन फिर भी एयर पार्टिकल कुछ ना कुछ रह जाते हैं, जो कि इसका मेजर ड्रॉबैक्स है। सेकेंडरी मशीनिंग प्रोसेस ऑफ ऑन रिक्वायर्ड, ये प्रोडक्ट बनने के बाद, सैंड कास्टिंग से प्रोडक्ट बनने के बाद आपको कुछ ना कुछ मशीनिंग प्रोसेस चाहिए होती है, या तो आपको फिनिशिंग करनी करने की ज़रूरत पड़ती है, या फिर कुछ ना कुछ और एडिशनल मशीनिंग प्रोसेस। मशीनिंग इज द मेटल रिमूविंग प्रोसेस बेसिकली। सो मेटल रिमूविंग प्रोसेस बेसिकली आपको करनी होती है। सो यानी कि आपको सैंड कास्टिंग से फाइनल प्रोडक्ट डायरेक्ट बन के नहीं आता, एज इट इज़ आप यूज़ नहीं कर सकते, एडिशनली मशीनिंग प्रोसेस करने के बाद आप इसको यूज़ करेंगे। सो प्रोसेस कॉस्ट इज हाई एज कम्पेयर टू टूलिंग एंड मटेरियल कॉस्ट, सेफ्टी हैजर्ड्स टू ह्यूमन एंड इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स, रिमूवल ऑफ पैटर्न ऑफ ए थिन एंड स्मॉल पार्ट वेरी डिफिकल्ट। सो लाइक मेटल को हीट करना पड़ता है, सो मेटल को हीट करना नॉट एन ईजी थिंग। सो अबव 1000 डिग्री, अबव 2000 डिग्री डिग्री सेंटीग्रेड पे आप इसको हीट कर रहे हो, तो फिर इस बार मेटल को मोल्टन फॉर्म में आपने मैनेज करना बहुत मुश्किल होता है। दैट्स व्हाई सेफ्टी हैजर्ड्स होते हैं ड्यूरिंग दैट प्रोसेस, एंड रिमूवल ऑफ पैटर्न ऑफ ए थिन एंड स्मॉल पार्ट इज वेरी डिफिकल्ट। जिस तरह मैंने बोला था कि हैमर की बात की थी, लेकिन बहुत सारे छोटे छोटे पार्ट भी कास्ट होते हैं, सो उसको रिमूव करना, उसको मैनेज करना बहुत ही मुश्किल होता है। सो दिस इज द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ द सैंड कास्टिंग। ओके जी, कास्टिंग के बाद देख लेते हैं व्हाट इज मोल्डिंग। मोल्डिंग प्रोसेस में है क्या क्या और इसके डिफरेंट टाइप्स क्या क्या है देख लेते हैं। सो मोल्डिंग बाय मतलब नाम से जाहिर है कि मोल्ड करना किसी चीज को। सो मोल्डिंग और मोल्डिंग इज द प्रोसेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग by shaping liquid or pliable raw material using rigid frame called mold or matrix. So it's a manufacturing process by shaping liquid or pliable raw material using the rigid frame called mold or matrix. So आप इसमें भी basically क्या कर रहे हो, तो एक mold होता है basically, mold में आप molten material को pour कर रहे होते हो, लेकिन mostly molding is for the plastic. Pliable raw material is the term which we use for the plastic materials. So molding or molding is a process of manufacturing by shaping liquid or pliable raw material using a rigid frame called matrix or mold. Matrix or mold में आप क्या कर रहे होते हो, मेटल को या फिर प्लास्टिक को आप शेप कर रहे होते हो। इसके डिफरेंट स्टेप्स हैं। दिस इट सेल्फ मे हैव बीन मेड यूजिंग पैटर्न और मोल्ड ऑफ द फाइनल प्रोडक्ट। सो डिफरेंट पार्ट्स है इसके, डिफरेंट वी कैन से कि डिफरेंट टाइप्स हैं। इंजेक्शन मोल्डिंग, ब्लो मोल्डिंग, कंप्रेशन मोल्डिंग, ट्रांसफर मोल्डिंग, एक्सट्रूजन, डिप मोल्डिंग, रोटेशनल मोल्डिंग, थर्मोफॉर्मिंग, लेमिनेटिंग, एक्सपेंडेबल बीट, फोम, वैक्यूम प्लग असिस्ट, प्रेशर प्लग असिस्ट एंड मैश मोल्ड। ठीक है जी। सो बहुत सारे टाइप्स हैं। अगेन आई एम सेइंग कि हर एक टाइप को डिस्कस करना, हर एक टाइप को डिस्क्राइब करना बहुत ही मुश्किल काम है मेरे लिए। अगर मैं करने लग जाऊँ तो 4-5 क्लासेस लग जाएंगे पूरे मोल्डिंग के डिफरेंट टाइप्स को डिस्कस करना। जस्ट लाइक मैंने कास्टिंग के डिफरेंट टाइप्स थे, कास्टिंग के 10 डिफरेंट टाइप्स थे। सो कास्टिंग में से मैंने एक जस्ट एक मैं सैंड कास्टिंग को डिस्कस कर लिया और डिटेल में डिस्कस कर लिया। सो जस्ट लाइक सैंड कास्टिंग, इसी तरह सिमिलर टाइप के प्रोसेस हो रहे होंगे, सिमिलर टाइप के स्टेप्स हो रहे होंगे इन दी अदर टाइप ऑफ कास्टिंग प्रोसेस। सो जस्ट लाइक कास्टिंग, हम यहाँ पे इंजेक्शन मोल्डिंग को डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज इंजेक्शन मोल्डिंग। सो इंजेक्शन मोल्डिंग को डिस्कस करेंगे, इसके स्टेप्स देखेंगे, इसके डिफरेंट मशीन्स देखेंगे और बेसिकली हम देखेंगे इंजेक्शन मोल्डिंग में होती क्या चीज़ है। सो
लेकिन बाकी ब्लो मोल्डिंग, कंप्रेशन मोल्डिंग, ट्रांसफर, एक्सट्रूजन, इंट्रूजन, सो इस तरह के जो बाकी जो स्टेप्स हैं, बाकी जो टाइप्स हैं, उसको हम देखेंगे नहीं, लेकिन इंजेक्शन मोल्डिंग को सही तरह से देखेंगे, उसके डिफरेंट टाइप्स को हम देखेंगे। सो व्हाट इज इंजेक्शन मोल्डिंग प्रोसेस? इंजेक्शन मोल्डिंग प्रोसेस इज अ मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस ऑफ इंजेक्शन मटेरियल इन टू द मोल्ड टू प्रोड्यूस अ पार्ट। सो नाम से जाहिर है कि इंजेक्ट करते हैं आप किसी एक मोल्ड में, आप मटेरियल को इंजेक्ट करते हैं, कूल होने देते हैं और फिर पार्ट निकल के आ जाता है, जिसे सिंपल स्टेप। सो रिपीट करता हूँ मैं, इंजेक्शन मोल्डिंग में क्या कर रहे होते हैं आप, बेसिकली आपके पास एक मोल्ड होता है, इस उस मोल्ड में आप मोल्टन मेटल को, मोल्टन प्लास्टिक को या फिर मोल्टन मटेरियल को आप इंजेक्ट करते हैं, ठीक है जी। सो फिर आपके पास फाइनल प्रोडक्ट बन के आता है, और कूल होने के बाद फाइनल प्रोडक्ट बन के आता है। वाइल द मोस्ट कॉमन मटेरियल यूज फॉर इंजेक्शन मोल्डिंग आर मेटल्स, थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर्स एंड थर्मोस्टेटिंग पॉलीमर्स। मेटल भी करते हैं, लेकिन मेटल से ज्यादा जो जिस चीज के लिए इंजेक्शन मोल्डिंग मशहूर है वो है थर्मोसेटिंग पॉलीमर्स एंड समवट थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर्स, लेकिन सबसे ज्यादा थर्मोसेटिंग पॉलीमर्स में हम इसको बहुत ज्यादा यूज करते हैं। सो इंजेक्शन मोल्डिंग इज मोस्ट कॉमनली यूज्ड मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस फॉर फैब्रिकेशन ऑफ प्लास्टिक पार्ट्स। सो अवॉइड वेरायटी ऑफ प्रोडक्ट आर मैन्युफैक्चर यूजिंग इंजेक्शन मोल्डिंग विच वेरी ग्रेटली इन इन देयर साइज, कॉम्प्लेक्सिटी एंड एप्लीकेशन। सो प्लास्टिक पार्ट को मैन्युफैक्चर करने के लिए बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। सो ये मशहूर इसलिए है, ये फेमस इसलिए है क्योंकि इस बिकॉज ऑफ द कम्प्लेक्सिटी एंड एप्लीकेशन। कम्प्लेक्सिटी, बहुत ही कम्प्लेक्स शेप बनाने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। सैंड कास्टिंग को भी करते थे, लेकिन सैंड कास्टिंग इज मेजरली फॉर द मेटल्स, लेकिन मोल्डिंग में इंजेक्शन मोल्डिंग को हम इसलिए यूज करते हैं बिकॉज ये आप इसमें इजिली कॉम्प्लेक्स शेप को आप बना सकते हैं, और बहुत बड़ी चीज़ों को और छोटी चीज़ों को भी आप बना सकते हैं, लेकिन इसकी सरफेस फिनिशिंग अच्छी होती है। कास्टिंग में सरफेस फिनिशिंग अच्छी नहीं होती, लेकिन मोल्डिंग में सरफेस फिनिशिंग बहुत ही अच्छी होती है, बहुत ही फाइन होती है। सो इंजेक्शन मोल्डिंग प्रोसेस रिक्वायर द यूज ऑफ इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन, रॉ मटेरियल एंड द मोल्ड। द प्लास्टिक इज मेल्टेड इन द इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन एंड देन इंजेक्टेड इन टू द मोल्ड वेयर इट कूल्स एंड सॉलिडिफाइज इन टू द फाइनल प्रोडक्ट। सो इंजेक्शन मोल्डिंग प्रोसेस के लिए आपको इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन चाहिए, रॉ मटेरियल चाहिए एंड अ मोल्ड चाहिए। इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन चाहिए, मशीन के अंदर बैरल होता है, हॉपर होता है एंड देन एक मोल्ड होता है फाइनली। सो उस मोल्ड में आप बेसिकली आप मटेरियल इंजेक्ट कर रहे होते हो, ठीक है जी, एंड देन उसको कूल करने के बाद आपके पास फाइनल प्रोडक्ट बन के आता है। सो कंक्लूडिंग दिस स्लाइड, व्हाट इज इंजेक्शन मोल्डिंग प्रोसेस? इंजेक्शन मोल्डिंग प्रोसेस में तीन ही स्टेप्स होते हैं। आप मटेरियल को लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे होते हो, लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद आप इंजेक्ट कर रहे हो तो इन टू द मोल्ड, एंड देन आप कूल कर रहे हो तो कूल करने के बाद आपके पास फाइनल प्रोडक्ट बन के आता है। सो मोस्टली इट इज़ यूज फॉर थर्मोसेटिंग पॉलीमर्स एंड एडिशनली थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर भी यूज़ करते हैं, लेकिन मेटल के लिए भी यूज़ किया जाता है, लेकिन बहुत ही कम यूज़ करते हैं इंजेक्शन मोल्डिंग प्रोसेस फॉर द मेटल्स। सो इंजेक्शन मोल्डिंग प्रोसेस प्लास्टिक पार्ट को बनाने के लिए बहुत मशहूर है। सो कम्प्लेक्स पार्ट इसमें बना सकते हैं, एंड फॉर द इंजेक्शन मोल्डिंग प्रोसेस यू नीड इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन, रॉ मटेरियल एंड द मोल्ड। सो दिस इज इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन। सो ये आपके पास मोल्ड है, दिस इज बैरल एंड दिस इज हॉपर बेसिकली। सो हॉपर में आप रॉ मटेरियल डाल देते हो, फिर रॉ मटेरियल डालने के बाद यहाँ पे बेसिकली आप हीट कर रहे होते हो, एंड बाय मीन्स आप दिस स्क्रू, दिस प्लंजर या फिर आप कहते हैं स्क्रू, आप रेड में देख सकते हैं कि रेड में मटेरियल है ये, इसको मोल्टन फॉर्म में लाने के बाद, लिक्विड फॉर्म में लाने के बाद आप इसको इंजेक्ट कर रहे होते हो इन टू द मोल्ड। सो दिस इज द फाइनल पार्ट आप की शेप है ये। सो ये मोल्ड है, दिस इज द मोल्ड। मोल्ड में आप फाइनल पार्ट को बना रहे होते हो, कैसे? बाय मीन्स ऑफ दिस प्लंजर। प्लंजर से आप इसके अंदर इंजेक्ट कर रहे होते हो, इंजेक्ट करने के बाद मोल्ड के अंदर जब सॉलिडिफाई हो जाता है बाय कूलिंग, कूलिंग अलग चैनल है, कूलिंग का अलग एक प्रोसेस है। सो उस प्रोसेस से गुजरने के बाद ये पूरा
जो मोल्टन जो प्लास्टिक है वो कूल हो जाता है विद इन द मोल्ट, एंड देन मोल्ट ओपन होने के बाद आपके पास फाइनल प्रोडक्ट आपके पास बन के आता है. सो देर आर थ्री यूनिट्स, इंजेक्शन यूनिट, मोल्ट असेंबली एंड द क्लैम्पिंग यूनिट. सो इम्पॉर्टेंट पार्ट यहाँ पे इंजेक्शन यूनिट है, जहाँ से आप इंजेक्ट कर रहे हो मटेरियल, एंड देन मोल्ट असेंबली है, आप इंजेक्ट कहाँ कर रहे हो तो मोल्ट के अंदर इंजेक्ट कर रहे हो, एंड देन कूल होने के बाद फाइनल प्रोडक्ट बन के आ जाता है. सो कंक्लूडिंग दिस स्लाइड, दिस इज इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन. देर आर थ्री यूनिट्स, इंजेक्शन यूनिट, मोल्डिंग असेंबली एंड द क्लैम्पिंग यूनिट. सो इंजेक्शन यूनिट से आप मोल्ड को इंजेक्ट कर रहे हो, लिक्विड को इंजेक्ट कर रहे हो इन टू द मोल्ड, एंड देन सॉलिडिफाई होने के बाद आपके पास फाइनल प्रोडक्ट बन के आता है. सो बहुत ही सिंपल स्टेप्स हैं इसके. सो फर्स्ट स्टेप में क्या हो रहा होता है, ग्रेन्यूल्स ऑफ प्लास्टिक पाउडर, नोट द प्लास्टिक, ओके ये एडिशनल लिखा हुआ है इसको आप इग्नोर करें, आर पोर और फेड इन टू द हॉपर विच स्टोर इट अंटिल इट इज नीडेड. अच्छा, आप हॉपर में प्लास्टिक के पैलेट्स को, प्लास्टिक ग्रेन्यूल्स को आप पोर कर रहे हो, बेसिकली आप प्लेस कर रहे हो, बेसिकली आप डाल रहे हो इसके अंदर. दिस इज द हॉपर, ये हॉपर है. अच्छा, ये पूरा एक सेटअप बनाया हुआ है इंजेक्शन मोल्डिंग का. दिस इज द फर्स्ट स्टेप. फर्स्ट स्टेप में आप हॉपर के अंदर मटेरियल डाल रहे हो. सेकेंड स्टेप में क्या हो रहा होता है, बेसिकली हीटर हीट्स अप द ट्यूब, एंड व्हेन इट रीच द हाई टेम्परेचर अ स्क्रू थ्रेड स्टार्ट टर्निंग. सो हॉपर में डालने के बाद जो मटेरियल नीचे आता है इन टू दिस बैरल, इसको बैरल बोलते हैं, बैरल में मटेरियल हीट अप हो जाता है, एंड देन हीट अप होने के बाद इसको बाय मीन्स ऑफ दिस प्लंजर, यहाँ पे क्या स्क्रू थ्रेड्स में हीट अप होते हैं, एंड हीट अप होने के बाद थर्ड स्टेप में क्या होता है, अ मोटर स्ट्रेंथ थ्रेड विच पुशेस द ग्रेन्यूल्स अलोंग द हीटर सेक्शन विच मेल्ट इनटू अ लिक्विड. द लिक्विड इज फोर्स इनटू द मोल्ड वेयर इट्स कूल. ठीक है जी. सो इसको भी आप इग्नोर करें क्योंकि एक एग्जांपल दिया हुआ है, जहाँ से मैंने कॉपी की है वहाँ पे एक एग्जांपल दिया हुआ है डीयूडी स्टोरेज यूनिट के. सो थर्ड स्टेप में क्या हो रहा है, जब सेकेंड स्टेप में हीटर बाय मीन्स ऑफ हीटर जो आपके पास पैलेट्स हैं, जो आपके पास ग्रेनल्स हैं, जो आपके पास प्लास्टिक का जो पैलेट्स हैं, दाने हैं बेसिकली, वो हीट होने के बाद थर्ड स्टेप में बाय मीन्स ऑफ मोटर आप इसको इंजेक्ट कर रहे हो इन टू द मोल्ड. जब आपके पास मोल्टन मेटल में आ जाता है, मोल्टन आपके पास प्लास्टिक हो जाती है, मेल्ट हो जाता है, बिल्कुल लिक्विड फॉर्म में आ जाते हैं, तो आप इसको इंजेक्ट कर रहे हो इन टू द मोल्ड बाय मीन्स ऑफ मोटर, या फिर आप कह सकते हैं कि बाय मीन्स ऑफ दीज थ्रेड्स, जिसको हम प्लंजर भी कहते हैं बेसिकली. द मोल्ड देन ओपन्स एंड द यूनिट इज रिमूव. अच्छा, इसके अंदर दिस इज द मोल्ड. सो मोल्ड ओपन हो जाता है आफ्टर द पार्ट गेट्स कूल. पार्ट को एक रिक्वायर्ड टाइम होती है, ऑलरेडी डिफाइंड टाइम होती है, उसको इसमें कूल करने के बाद ये पार्ट निकल के सामने बाहर आता है आपके पास. सो कंक्लूडिंग दिस स्लाइड, देर आर फोर स्टेप्स ऑफ द इंजेक्शन मोल्डिंग. फर्स्ट स्टेप में आप हॉपर के अंदर मटेरियल डाल रहे होते हो. सेकेंड स्टेप में उस हॉपर में जो मटेरियल डाला होता है डेट्स कम्स टू द बैरल, और बैलर में बाई मीन्स ऑफ हीटर वो हीटअप हो जाता है. हीट अप होने के बाद व्हेन इट्स कम टू लिक्विड, लिक्विड फॉर्म, लिक्विड शेप में आने के बाद थर्ड प्रोसेस में आप क्या कर रहे होते हो, बाय मीन्स ऑफ मोटर द मोल्टन लिक्विड पुश इनटू द मोल्ड, एंड देन मोल्ड में आफ्टर द कूलिंग मोल्ड में क्या कर रहे होते हो बेसिकली कूल करने के बाद पार्ट निकल के आपके पास बाहर आ जाता है. सो दिस इज द एनिमेशन जो कि मिल गई थी, तो मैंने सोचा आपको दिखा दूं. सो हॉपर में डालने के बाद मटेरियल लेट्स स्टार्ट. अच्छा, हॉपर में डाल दिया आपने, फिर मटेरियल आपके पास ये ट्रेवल हो रहा है. दिस मटेरियल ट्रेवल्स, ये मोल्टन मेटल है, एंड ट्रेवल के बाद इंजेक्ट हो गया, एंड देन मोल्ड के अंदर आने के बाद फाइनली प्रोडक्ट निकल के बाहर आ गया. सो अगेन आप देख सकते हैं, दिस इज द पार्ट इंजेक्टेड इन टू द मोल्ड, और ये आपके पास फाइनल प्रोडक्ट आपके पास बन के आ गया आफ्टर कूलिंग. नो फॉर्मिंग. सो वट इज फॉर्मिंग? फॉर्मिंग इज द मैकेनिकल प्रोसेस यूज इन मैनुफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज वेयर एन
materials and mostly metals undergoes plastic deformation and acquires required shape and size by application of suitable stresses such as compression, shear and tension. So basically forming hai kya? Forming is a mechanical process used in manufacturing industries jisme se material will undergo plastic deformation and acquired required shapes and size. सो इसके अंदर प्लास्टिक डिफॉर्मेशन होने के बाद आप क्या करते हो, फॉर एग्जांपल प्लास्टिक डिफॉर्मेशन होने के बाद रिक्वायर्ड शेप आपको मिल जाती है, आप फोर्स करते हो, फोर्स करने के बाद जब वो मटेरियल एक्सीड करते हैं आफ्टर द लिमिट ऑफ प्लास्टिक लिमिट्स से एक्सीड कर जाते हैं, सो आपके पास रिक्वायर्ड शेप आपके पास मिल जाती है. सो टू अंडरस्टैंड द प्लास्टिक डिफॉर्मेशन आपने ये लास्ट लेक्चर में ऑलरेडी डिस्कस कर लिया था. सो दिस इज द स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व. स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व कुछ इस तरह से होता है, दिस इज द स्ट्रेस एंड दिस इज द स्ट्रेन. सो स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व कुछ इस तरह से होता है, ये आपके पास एक लिमिट है विच इज इलास्टिक लिमिट. इलास्टिक लिमिट क्या होता है कि स्ट्रेस एंड स्ट्रेन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, एंड देन यानी कि उस लिमिट से जब उस लिमिट के जब अंदर होते हैं आप तो मटेरियल वापस अपने ओरिजिनल शेप को रिस्टोर कर सकते हैं. सो जब प्लास्टिक रीजन में इंटर करते हैं, प्लास्टिक रीजन में इंटर करते हैं, दिस इज द इलास्टिक रीजन एंड दिस इज द प्लास्टिक रीजन. प्लास्टिक रीजन में इंटर करने के बाद आप क्या कर रहे हो, तो उस ओरिजिनल शेप में आपको रिस्टोर होकर नहीं मिलता, ठीक है जी. सो लेट्स सपोज आपने एक स्टील को आपने फोर्स कर दिया दोनों साइड से, फोर्स कर दिया दोनों साइड से, फोर्स करने के बाद एक स्टेज आता है जिस स्टेज पे इस पॉइंट के बाद वो प्लास्टिक रीजन में इंटर करते हैं. सो उस रीजन में इंटर करने के बाद आपको दोबारा से ओरिजिनल शेप स्टील की आपको नहीं मिलेगी. सो दिस इज द स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व. और देन अगेन अगर फर्दर इसके ऊपर लोड लगाते रहेंगे तो एक पॉइंट आएगा जब जिस पॉइंट पे फ्रैक्चर होगा. सो दिस इज द फ्रैक्चर पॉइंट. दिस इज द बेसिकली द स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व वी हैव ऑलरेडी डिस्कस इन द लास्ट लेक्चर. सो दिस इज द स्ट्रेन कर्व. सो प्लास्टिक डिफॉर्मेशन होती है फॉर्मिंग में, प्लास्टिक डिफॉर्मेशन होती है एंड देन एंड एक्वायर रिक्वायर्ड शेप एंड साइजेस बाय एप्लीकेशन ऑफ सुटेबल स्ट्रेसेस सच एज कंप्रेशन, शेयर एंड टेंशन. कंप्रेशन, शेयर एंड टेंशन बाय मीन्स ऑफ कंप्रेशन, शेयर एंड टेंशन आप क्या करते हो, मटेरियल को आप कंप्रेस कर रहे होते हो बेसिकली, या टेंशन दे रहे होते हो बेसिकली, या फिर शेयर कर रहे होते हो. सो देन प्लास्टिक आफ्टर द प्लास्टिक डिफॉर्मेशन प्रोसेस होकर आपके पास रिक्वायर्ड शेप मिल जाती है विच इज कॉल्ड फॉर्मिंग. सो इन फॉर्मिंग प्रोसेस नो मटेरियल इज रिमूव्ड, इट इज कंप्लीटली डिस्प्लेस्ड एंड डिफॉर्म इन टू द रिक्वायर्ड शेप. सो दिस इज द एग्जाम्पल, आप मेटल को बहुत ज्यादा हॉट होने के बाद इसको आप लेट सपोज आप इसको हैमर करते हैं तो क्या होगा कि ये डिफॉर्म होगा रिक्वायर्ड शेप में. आपको जो शेप चाहिए होगी उसमें आप डिफॉर्म करना चाहते हैं तो उसको क्या करेंगे, इसको हीट करेंगे अंटिल इट्स गेट हॉट एंड रेड. सो रेड होने के बाद आप इसको जब हैमर करते हैं तो आप सो बिल्कुल सॉफ्ट हो चुका होगा. सो सॉफ्ट होने के बाद इसको हैमर करेंगे तो आपको रिक्वायर्ड शेप मिल जाएगी. सो कंक्लूडिंग दिस स्लाइड, व्हाट इज फॉर्मिंग? फॉर्मिंग इज अ मैकेनिकल प्रोसेस यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज. सो प्लास्टिक डिफॉर्मेशन होने के बाद जब आप जब आप कंप्रेशन, शेयर एंड टेंशन देते हो तो प्लास्टिक डिफॉर्मेशन होती है एंड देन आपके पास रिक्वायर्ड शेप मिल जाती है. दिस इज कॉल्ड फॉर्मिंग प्रोसेस. सो देर आर सम ऑफ द कॉमनली यूज फॉर्मिंग प्रोसेस इन द मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री आर सो फोर्जिंग, फोर्जिंग, रोलिंग, एक्सट्रूजन, थ्रेड रोलिंग, रोटेटिव स्वैगिंग, स्वेजिंग, एक्सप्लोसिव फॉर्मिंग, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फॉर्मिंग. दीज आर द टाइप्स ऑफ फॉर्मिंग प्रोसेस. सो अगेन इस हर एक को डिस्कस नहीं कर सकते, पॉसिबल नहीं है. सो वी ओनली डिस्कस द फोर्जिंग. फोर्जिंग को डिस्कस कर लेते हैं, व्हाट इज फोर्जिंग. सो दिस इज द एग्जाम्पल, यहाँ पे फोर्ज कर रहे हैं. दिस इज द एग्जाम्पल, दिस इज द रोलिंग एग्जाम्पल. बेसिकली जब प्लास्टिक सॉरी स्टील को, जब स्टील की चादरें जब आती हैं इन दी इंडस्ट्रीज, इंडस्ट्री में मोस्टली आप देखते हैं सो वो एक रोल्स के फॉर्म में आता है, दैट इज कॉल्ड रोलिंग. एंड अगेन दिस इज द एक्सट्रूजन, दिस इज द एक्सट्रूजन. प्लास्टिक
कर्व फॉर एग्जाम्पल एक रॉड निकल के आ रही है प्लास्टिक की, सो बाय मीन्स ऑफ एक्सट्रूजन दिस प्रोसेस ऑकर्स. सो राइट नाउ वी विल डिस्कस द सो व्हाट इज फोर्जिंग. सो फोर्जिंग इज अ मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस इन्वॉल्विंग इन शेप ऑफ अ मेटल थ्रू हैमरिंग, प्रेसिंग और रोलिंग. दीज कंप्रेसिव फोर्सेस आर डिलीवर्ड विद द हैमर और डाई. ठीक है जी. सो आप उसको क्या कर रहे हो, तो फोर्जिंग में क्या कर रहे हो, तो बेसिकली आप बहुत हीट करने के बाद आप हैमर करते हो, प्रेस करते हैं या फिर रोल करते हैं. दीज कंप्रेसिव फोर्सेस आर डिलीवर्ड विद हैमर और डाई बाय मीन्स ऑफ हैमर. हैमर भी आप यूज कर सकते हैं और स्पेशली मीन डाई, स्पेशली डिजाइन डाई. टिपिकली मेटल आर यूज इन फोर्जिंग इंक्लूड स्टील, कार्बन स्टील, एलॉय स्टील एंड स्टेनलेस स्टील. सो इन तीनों स्टील को आप नॉर्मली आप फोर्ज कर रहे होते हैं बेसिकली. वेरी सॉफ्ट मेटल सच एज अल्यूमिनियम, ब्रास एंड कॉपर आल्सो बी फोर्ज, लेकिन उसको फिजिबल नहीं समझा जाता. अल्यूमिनियम, कॉपर एंड ब्रास को भी फोर्ज करते हैं लेकिन इसको इस प्रोसेस के लिए ज़्यादा फिजिबल नहीं समझा जाता. बट फोर्जिंग जो है ना वो नॉर्मली कार्बन स्टील, एलॉय स्टील एंड स्टेनलेस स्टील के लिए यूज करते हैं. द फोर्जिंग प्रोसेस कैन प्रोड्यूस पार्ट विथ सुपर्ब मैकेनिकल प्रॉपर्टीज विथ मिनिमम वेस्ट. सो आपने हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस देखी थी, यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंटली डिस्कस करने वाली चीज़ ये है. हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस आपने देखी थी, वहाँ पे क्या हो रहा था कि आप मेटल को जब हीट करते हैं और कूल करते हैं तो ऑटोमेटिकली उसकी स्ट्रेंथ बढ़ जाती है या फिर कम हो जाती है, रिक्वायरमेंट पे डिपेंड करता है, लेकिन प्रॉपर्टी जो है ना वो आपके पास कंप्लीटली चेंज हो जाती है. सो यहाँ पे यही चीज़ हो रही है. आप फोर्स में क्या कर रहे हो, तो बेसिकली मटेरियल को हीट कर रहे हो तो एंड देन बाय मीन्स ऑफ हैमरिंग हैमर कर रहे हो तो एंड देन कूल कर रहे हो तो फॉर कूल करने के बाद आपके पास रिक्वायर्ड शेप आपको मिल जाती है. सो पहले हीट कर दिया फिर कूल कर दिया. सो ये हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस अल्टीमेटली आपके पास अकर होगी. सो दैट्स वाई आपके पास मैकेनिकल प्रॉपर्टीज आपको मिल जाती है, बहुत सुपर मैकेनिकल प्रॉपर्टीज मिल जाती है विथ मिनिमम वेस्ट. द बेसिक कॉन्सेप्ट इज दैट ओरिजिनल मेटल इज प्लास्टिकली डिफॉर्म्ड टू द डिजायर्ड ज्योमेट्रिक शेप गिविंग इट हायर फैटिक रेजिस्टेंस एंड स्ट्रेंथ. द प्रोसेस इज इकोनॉमिकली साउंड विथ एबिलिटी टू द मास प्रोड्यूस्ड पार्ट्स एंड अचीव स्पेशल मैकेनिकल प्रॉपर्टीज इन द फिनिश प्रोडक्ट. सो कंक्लूडिंग दिस स्लाइड, फोर्जिंग व्हाट इज फोर्जिंग. फोर्जिंग में आप क्या कर रहे हो, तो बेसिकली मेटल को हीट कर रहे हो टू द रिक्वायर्ड टेम्परेचर एंड देन रेड हॉट होने के बाद आप इसको हैमर कर रहे हो, प्रेस कर रहे हो, रोलिंग कर रहे हो. ठीक है जी. सो फोर्स कैसे लगा रहे हो, तो आप इसमें बाय मीन्स ऑफ हैमरिंग और डाई, बाय मीन्स ऑफ स्पेशली डिजाइन डाई और हैमर आप कर रहे हो बेसिकली. सो टिपिकली दिस प्रोसेस इज यूज फॉर कार्बन स्टील, अलॉय स्टील एंड स्टेनलेस स्टील, बट एल्यूमिनियम, ब्रास एंड कॉपर के लिए भी यूज किया जाता है. सो एज वी डिस्कस्ड कि इसमें अल्टीमेटली आपके पास हीट ट्रीटमेंट हो रही होती है, आप मेटल को हीट कर रहे हो एंड देन कूल कर रहे हो तो हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस हो रही होती है. तो हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस से आपने पढ़ा था कि स्ट्रेंथ बहुत बढ़ जाती है, स्ट्रेंथ बहुत अच्छी हो जाती है. सो बाय मीन्स ऑफ दिस फोर्जिंग प्रोसेस स्ट्रेंथ आपके पास जो मटेरियल की बहुत अच्छी हो जाती है. सो दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ फोर्जिंग. बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड, बहुत बहुत ज़्यादा बड़े स्केल में इसको किया जाता है. सो दिस इज द फोर्जिंग पार्ट, फोर्ज्ड पार्ट, इसको फोर्जिंग कर रहे हैं एंड दिस इज द डाई. यहाँ से डाई से इसको फोर्स कर रहे होते हैं बेसिकली, फोर्स करने के बाद आपके पास रिक्वायर्ड शेप मिल जाती है. सो दिस इज द अदर एग्जाम्पल कि बहुत बड़ा सेटअप होता है इसका और इस छोटे से पार्ट को फोर्ज करने के लिए फॉर द सेफ्टी हैजर्ड वर्कर्स को बहुत ही दूर जाके खड़ा होना पड़ता है एंड देन बाय मीन्स ऑफ डाई, यहाँ से डाई आ रही होती है, इसको फोर्स करके रिक्वायर्ड शेप में आ जाती है आपके पास. दिस इज द एग्जाम्पल. सो इसको हीट करने के बाद जब रेड हॉट हो जाता है, सो बाय मीन्स ऑफ डाई, या आपके पास डाई है, डाई से जब फोर्स करते हैं तो आपके पास रिक्वायर्ड शेप मिल जाती है एंड देन इसको कूल करते हैं सो आपके पास रिक्वायर्ड शेप मिल जाती है. सो व्हाट इज द एडवांटेजेस. प्लास्टिक मैन्युफैक्चर पार्ट्स मैन्युफैक्चर बाय फोर्जिंग आर स्ट्रॉन्गर, इट इज मोर रिलायबल एंड लेस कॉस्टली, इट ऑफर बेटर रिस्पॉन्स टू हीट, इट ऑफर मोर कंसिस्टेंट एंड बेटर मेटलर्जिकल प्रॉपर्टीज,
It offered broad sizes range of product. It required fewer secondary operation. It has greater design flexibility. So what is disadvantages? In hot forging, it is difficult to perform secondary operation. Capital cost is more. Very high human material safety procedure we need to follow. So concluding this slide, what is the advantages? Stronger banta hai, part bahut stronger banta hai, reliable hota hai and cost less costly hota hai. Process jo na wo less costly hota hai. It offer better response to the heat treatment. Metallurgical properties iske achhi ho jati hai. Broad range of product, yani ki kisi product ko aap forge kar sakte hai. So secondary operation jis tarah casting mein hota kya ho raha tha ki cast hone ke baad part ko aap मशीन कर रहे हो तो डेट इज़ अ सेकेंडरी ऑपरेशन. सो इसमें या नॉर्मली सेकेंडरी ऑपरेशन आपको नहीं चाहिए होती है. ग्रेटर डिज़ाइन फ्लेक्सिबिलिटी. अच्छा डिसएडवांटेजेस क्या है इसके? इन हॉट फॉर्जिंग इट इज़ डिफिकल्ट टू परफॉर्म सेकेंडरी ऑपरेशन. सेकेंडरी ऑपरेशन को परफॉर्म करना मुश्किल हो जाता है क्योंकि ये ऑलरेडी बड़े स्केल पे इसके अंदर प्रोडक्ट बनता है. सो कैपिटल कॉस्ट इज मोर. हमने देखा था कि सेटअप इतना बड़ा है सो कैपिटल कॉस्ट ऑटोमेटिकली हाई हो जाती है क्योंकि इसको इंस्टॉल करना, इसको बड़े स्केल पे इंस्टॉल करना, फॉर एग्जांपल पाकिस्तान में कहीं पे इंस्टॉल करना है तो कहीं से इंपोर्ट करना पड़ेगा, लाइक जर्मनी या फिर तुर्की से इंपोर्ट करने के बाद, इस इतने बड़े सेटअप को इंपोर्ट करने के बाद इतने बड़े सेटअप को इंस्टॉल करना इटसेल्फ एक बहुत ही बहुत बड़ा काम है. सो कैपिटल कॉस्ट इज मोर. Very high human and material safety precaution procedure needed to follow. So safety procedure जिस तरह आपने बोला था, हमने बोला था कि material को red hot होने देते हैं फिर उसके बाद ही आप force कर सकते हैं. So इसका मतलब यह है कि safety precautions आपको, safety procedure आपको follow करना है वरना harm हो सकते हैं. What is machining? It is roughly defined as the process of removing material from a workpiece using power-driven machine tools to shape it into intended design. Most metal component and part require some of the machining during the manufacturing process. Other materials such as plastic, rubber, papers, goods are also commonly fabricated through machining process. So मशीनिंग प्रोसेस है क्या बेसिकली? मशीनिंग प्रोसेस इज मेटल रिमूविंग प्रोसेस. एक मेटल है, मेटल से मटेरियल को रिमूव जब करते हैं तो मटेरियल के रिमूवर प्रोसेस से आपके पास जो फाइनल प्रोडक्ट बन के आता है उस पार्ट को आप मशीनिंग कहते हैं. कास्टिंग में मशीनिंग नहीं हो रही थी, कास्टिंग में मटेरियल रिमूविंग प्रोसेस नहीं हो रही थी, मोल्डिंग में भी मेटल रिमूविंग प्रोसेस नहीं हो रही थी, आपके पास फॉर्मिंग में भी मेटल रिमूव प्रोसेस नहीं हो रही थी, लेकिन मशीनिंग में क्या हो रही है? आपके पास मेटल को रिमूव करने के बाद आपके पास फाइनल प्रोडक्ट बन के आ रही है. ठीक है जी. सो द पर्पस ऑफ दिस फ्लो फ्लो जो आपके पास सीक्वेंस दिया हुआ है, सो इसका पर्पस ये है कि आप कंपेयर कर सकें एग्जैक्टली कि व्हाट इज द डिफरेंट बिटवीन कास्टिंग, मोल्डिंग, फॉर्मिंग एंड मशीनिंग. सो बेसिक डिफरेंस यही है, बेसिक डिफरेंस यही है कि इसमें मशीनिंग में आपका क्या कर रहे होते हैं बेसिकली? मशीनिंग में रिमूविंग अ मटेरियल टेक्स प्लेस, सो डेट्स वाई इट्स कॉल्ड मशीनिंग. सो मशीनिंग आप मोस्टली आप मेटल की करते हैं. सो लेकिन प्लास्टिक, रबर्स एंड पेपर गुड्स आर आल्सो फैब्रिकेटेड थ्रू मशीनिंग प्रोसेस. सो मशीनिंग के तीन बहुत ही बड़े बड़े टाइप्स हैं, मेजर टाइप्स हैं, टर्निंग, ड्रिलिंग एंड मिलिंग. सो लाइक एज वी डिस्कस्ड, सैंड कास्टिंग, इंजेक्शन मोल्डिंग इन मोल्डिंग एंड फोर्जिंग इन फॉर्मिंग प्रोसेस. इन दिस प्रोसेस वी विल डिस्कस्ड, इन दिस मशीनिंग प्रोसेस वी विल डिस्कस टर्निंग, कि टर्निंग है क्या ये हम डिस्कस करेंगे. सो दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ टर्निंग. सो यहाँ पे क्या हो रहा था कि बेसिकली एक सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट को के ऊपर मशीनिंग हो रही है, सिलेंड्रिकल शाफ्ट को आप मशीन कर रहे हो बेसिकली. सो इसको हम टर्निंग कहते हैं. सो व्हाट इज टर्निंग हम नेक्स्ट स्लाइड में. सो टर्निंग इन्वॉल्व्स रोटेशन ऑफ वर्कपीस व्हाइल कटिंग टूल्स मूव्स इन लीनियर मोशन, दिस रिजल्ट इन सिलेंड्रिकल शेप.
A lathe is a machine of a choice of all turning operations. Turning involves rotation of workpiece while other cutting tools moves in linear motion. So turning में क्या हो रहा था, basically एक cylindrical object, basically mostly होते हैं cylindrical objects को जब आप move कर रहे होते हो and then by means of tools, cutting tool होता है basically, cutting tool को इसके inverse motion में reverse motion में आप उसको feed करते हैं तो आपके पास metal removal process occur होती है and then आपके पास final product बन गया था है. Like most machining process, turning is either done manually or automatically. The downside of manual turning is it requires continuous supervision. Automatic turning does not. With computer numeric control machine CNC, you program all the movement, speed and tooling into the computer. एक सीएनसी मशीनिंग होती है, सीएनसी मशीनिंग यानी कि कंप्यूटर न्यूमेरिक कंट्रोल मशीनिंग आजकल यूज हो रही है. आप मैनुअली, आप यहाँ पे लिखा हुआ मैनुअली और ऑटोमेटिकल करते हैं. मैनुअली करते हैं तो आप अच्छी बात है, ठीक है ना. मैनुअली आप भी ज़्यादातर करते हैं, पाकिस्तान में मोस्टली मैनुअली करते हैं, लेकिन ऑटोमेटिक मशीन भी होता है विच इज़ कॉल्ड सीएनसी मशीनिंग. सो सीएनसी मशीनिंग इज कॉल्ड ऑटोमेटिक मशीनिंग. सीएनसी का एब्रिविएशन क्या है, कंप्यूटर न्यूमेरिक कंट्रोल मशीन. सो इसमें आप क्या कर रहे होते हैं, प्रोग्राम को फीड करने के बाद आप उसके मूवमेंट को, स्पीड को और टूल चेंजेस को फीड करने के बाद आप कंप्यूटर में फीड करते हैं और कंप्यूटर ऑटोमेटिकली रन करता है. दिस इंस्ट्रक्शन देन गेट सेंड इनटू द लेट फॉर कंप्लीशन. सीएनसी अलाउस फॉर कंसिस्टेंसी एंड एफिशिएंसी ऑफ हाई प्रोडक्शन रन्स. ठीक है जी. सो कंक्लूडिंग दिस साइड, व्हाट इज टर्निंग प्रोसेस. टर्निंग प्रोसेस में बेसिकली एक सिलेंड्रिकल शेप होती है, उसको रोटेट करते हैं आप. रोटेट करने के बाद उसके इनवर्स मोशन में, इसके अपोजिट डायरेक्शन में आप टूल, कटिंग टूल को फीड करते हैं. कटिंग टूल को फीड करने के बाद बाय मीन्स ऑफ कटिंग टूल मटेरियल मटेरियल गेट्स रिमूव फ्रॉम दैट सिलेंड्रिकल शेप. सो रिमूव होने के बाद आपके पास फाइनल प्रोडक्ट बन जाती है. सो टर्निंग आप मैनुअली भी कर सकते हैं या ऑटोमेटिकली भी कर सकते हैं. मैनुअली करेंगे तो जस्ट आपको लेथ मशीन चाहिए होगी, लेकिन ऑटोमेटिकली करेंगे तो आपको सीएनसी मशीन ही चाहिए होगी. एंड सो दिस इज द लेथ मशीन, दिस इज द लेथ मशीन. आप पार्ट को यहाँ पे, लेट सपोज एक पार्ट को फीड करना है, एक पार्ट में टर्निंग करनी है आपको, तो पार्ट को यहाँ पे इंस्टॉल करते हो बेसिकली. इसको स्पिंडल बोलते हैं बेसिकली. स्पिंडल में इंस्टॉल करने के बाद आप यहाँ पे टूल इंस्टॉल करते हो. आप टूल को इस इनवर्स मोशन में यहाँ पे लेथ मशीन के जो स्पिंडल में आप बेसिकली पार्ट जो सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट है वो रोटेट कर रहे होते हैं बेसिकली. रोटेट होने के बाद जब टूल इनवर्स मोशन में यहाँ से फीड करते हैं तो मटेरियल रिमूव हो जाता है. सो दिस इज द एग्जांपल कि आपने इस पार्ट को फीड कर दिया इनटू द स्पिंडल. स्पिंडल आपने फीड कर दिया एंड देन आपको मशीनिंग करनी है तो दिस इज द टूल. ये आपके पास टूल है. टूल को इनवर्स मोशन में, आप टूल रिवर्स मोशन में जब फीड करते हैं तो मशीनिंग हो रही है. दिस इज द मशीनिंग प्रोसेस. सो मटेरियल गेट्स रिमूव एंड देन आपके पास फाइनल प्रोडक्ट बन गया था. एडवांटेजेस क्या है, सरफेस फिनिशिंग अच्छी होती है आपके पास. इट रिक्वायर लेस एनर्जी एंड स्ट्रेंथ देन अदर प्रोसेस. कलेक्टिंग चिप्स इज एजियर. टर्निंग के डिसएडवांटेज क्या है, मोस्ट डिफेक्ट्स आर इनएक्यूरेसीज इन फीचर्स डायमेंशन और सरफेस रफनेस. लिमिटेड टू रोटेशनल पार्ट एंड सिग्निफिकेंट टूल वेयर. ये रोटेशनल पार्ट के लिए ही करते हैं. लेट्स सपोज स्क्वायर पार्ट में कोई मशीनिंग करनी है तो ये फिजिबल नहीं है. उसके लिए एक और प्रोसेस है विच इज कॉल्ड मिलिंग. सो मिलिंग प्रोसेस करते हैं, लेकिन टर्निंग प्रोसेस में आप सिर्फ रोटेशनल पार्ट को इंस्टॉल कर सकते हैं. रोटेशनल पार्ट में आप मशीनिंग कर सकते हैं. सो टर्निंग में टर्निंग के ये ड्रॉबैक है बेसिकली, उसमें रोटेशनल पार्ट ही कर सकते हैं. सो एडिशनली आप क्या कर रहे होते बेसिकली, आप फॉर एग्जाम्पल स्टील को, आप स्टील में मेटल रिमूविंग प्रोसेस कर रहे होते हो. मेटल स्टील का स्टील जो है ना वो स्टील में मशीनिंग कर रहे होते हो बेसिकली. स्टील में मशीनिंग करने से का मतलब ये है कि बाय मीन्स ऑफ टूल आप कर रहे होते हो तो टूल वेयर हो सकता है, टूल जो है ना वो घिस सकता है. सो दैट इज द अनदर ड्रॉबैक.
So second last, metal joining is defined as metal joining process. Metal joining is defined as joining of two metal parts either temporarily or permanently with or without application of heat or pressure. So by अगर for example आपने दो मेटल के पीस को ज्वाइन करना है सो तो कैसे करेंगे बाय मीन्स ऑफ वेल्डिंग आप ज्वाइन कर सकते हैं बाय मीन्स ऑफ रिवेटिंग आप ज्वाइन कर सकते हैं और बाय मीन्स ऑफ नट बोल्ट आप कर सकते हैं वो आपके रिक्वायरमेंट के ऊपर डिपेंड करता है सो दिस इज द मेटल ज्वाइनिंग प्रोसेस आप क्या कर रहे होते हो प्रोसेस में मेटल के टू पार्ट्स को आप ज्वाइन कर रहे होते हो या आप टेम्परेली ज्वाइन कर रहे हो या फिर परमानेंटली ज्वाइन करते हो सो दिस इज द क्लासिफिकेशन रिवेटिंग रिवेटिंग में आप परमानेंटली ज्वाइन करते हो नट बोल्ट में आप टेम्परेली ज्वाइन करते हो एंड थर्ड इज वेल्डिंग ब्रेजिंग एंड सोल्डरिंग सो इसमें आप परमानेंटली ज्वाइन कर रहे हो दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ रिवेट बेसिकली रिवेटिंग में क्या हो रहा था बेसिकली रिवेटिंग में आपको मैंने लास्ट लेक्चर में भी या सेकेंड लास्ट लेक्चर में भी डिस्कस किया था ये सो रिवेटिंग में बेसिकली एक रिवेट होता है बेसिकली रिवेट इज जस्ट लाइक वी कैन से कि नट की तरह का बोल्ट की तरह का एक एक की एक चीज़ होती है विच इज मेड ऑफ एलुमिनियम जो कि सॉफ्ट होता है सो बाय मीन्स ऑफ हाई प्रेशर इसको पास किया जाता है बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट्स फिर उसके बाद रिवेट हैपन्स बेसिकली दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ रिवेट So what is welding? Welding is an operation whereby two or more parts are united by means of heat or pressure or both. It is usually used in metal and thermoplastics. ये mostly metal में use करते हैं welding आपने नाम सुना हुआ होगा दो या दो से ज़्यादा part को जब आपने करना है merge करना है या फिर जोड़ना है तो आपको क्या आप क्या करेंगे weld करेंगे The part that are joined are known as parent material. पैरा मटेरियल कहते हैं जो आपने जिस पार्ट को हमें ज्वाइन करना है द मटेरियल एडिड टू हेल्प हेल्प फॉर्म द ज्वाइन इज कॉल्ड द फिलर ठीक है जी तो फिलर मटेरियल एक होता है एक पैरा मटेरियल होता है द फॉर्म ऑफ दिस मटेरियल टू मे सी देम रेफर्ड टू एज पैरेंट प्लेट और पाइप फिलर वायर कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड सो इसको जो कंज्यूमेबल फिलर को आप क्या कहते हैं फिलर वायर भी कहते हैं पाइप भी कहते हैं पेरेंट प्लेट भी कहते हैं कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड भी कहते हैं सो आपके पास दो या तीन मटेरियल होते हैं आपके पास एक फिलर होता है एक आपके पास एक पेरेंट मटेरियल होता है जिसके ऊपर आपने वेल्ड करना है और एक फिलर होता है और देन आप बेसिकली वेल्ड कर रहे होते हैं बेसिकली वेल्ड करने से होता क्या है कि आप सर्किट कंप्लीट करते हो सर्किट कंप्लीट होने के बाद प्रोसेस को आगे हम पढ़ेंगे व्हाट एक्चुअली हैपन्स इन द प्रोसेस कंज्यूमेबल आर यूजुअली फिलर्स आर यूजुअली chosen to be similar in composition to the parent material thus forming a homogeneous weld but there are occasions such as when welding brittle cast iron when filler with a very different composition and therefore properties is used these welds are called heterogeneous so consumable materials ko aap usi tarah ke material ke sath select karte hain लेट सपोज आपने स्टेनलेस स्टील दो स्टेनलेस स्टील के मटेरियल को आपने ज्वाइन करना है तो कंज्यूमेबल मटेरियल यानी कि फिलर मटेरियल जो सिलेक्ट करेंगे तो उसी हिसाब से सिलेक्ट करेंगे सो लेट सपोज सेकेंड कैसे कि आपने लो कार्बन स्टील दो लो कार्बन स्टील को आपने ज्वाइन करना है सो जो फिलर होगा वो भी इसी हिसाब से आप सिलेक्ट करेंगे सो हाउ डज द वेल्डिंग वर्क वेल्डिंग इज हाई हीट प्रोसेस विच melts the base metal typically with the addition of filler material अच्छा इसमें हो क्या हो रहा था बेसिकली लेट सपोज आपने दो पार्ट्स को ज्वाइन करना है तो बेसिकली बाय मीन्स ऑफ फिलर मटेरियल फिलर इटसेल्फ भी मेल्ट हो जाता है लेकिन जो दोनों मटेरियल है जिसको आपने वेल्ड करना है वो दोनों मेल्ट होने के बाद जब कूल हो जाता है तो आपके पास मेल्ट होकर मिल जाता है ज्वाइन होकर मिल जाता है सो द हाई हीट कॉजेस वेल्ड पूल So the high heat causes weld pool of a molten metal which cools to form the join which can be stronger than the parent metal. Pressure can also be used to produce a weld
इधर अलोंगसाइड बाई हीट और बाई इट सेल्फ। सो हीट के साथ प्रेशर भी यूज़ करते हैं जस्ट टू प्रोड्यूस अ वेल्ड, इधर बाई अलोंगसाइड हीट के साथ या फिर अलग से इसको यूज़ कर सकते हैं। सो कंक्लूडिंग दिस स्लाइड, वेल्डिंग कैसे होती है? वेल्डिंग बहुत सिंपल है। जब फिलर को आप दो पार्ट्स के बीच में आप रखते हो, फिलर को जब आप दो पार्ट्स के बीच में रखते हो तो जस्ट क्या होता है कि स्पार्क प्रोड्यूस होता है। स्पार्क प्रोड्यूस होने के बाद अलॉन्ग विथ फिलर मटेरियल दोनों पार्ट्स भी मेल्ट हो जाते हैं, एंड देन बिकॉज ऑफ द मेल्टिंग मेल्टिंग दोनों प्रोसेस ज्वाइन होकर आपको दोनों जो पार्ट्स है ना वो ज्वाइन होकर आपको मिल जाता है। सो दिस इज द टाइप ऑफ जॉइंट। जब हम वेल्ड की बात करेंगे तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम किस वेल्ड की बात कर रहे हैं, यानी कि किस तरह से हम ज्वाइन करते हैं। सो दिस इज द फर्स्ट मटेरियल एंड दिस इज द सेकेंड मटेरियल। उसको हम आपस में पैरेलली हम ज्वाइन करेंगे, सो दैट इज कॉल्ड बट जॉइंट। सो लैप जॉइंट, इसको वन आफ्टर द अदर एक ऊपर एक रख के हमने ज्वाइन करें हम अगर ज्वाइन करेंगे सो दैट इज कॉल्ड लैप जॉइंट। सो आप लैप जॉइंट में क्या क्या करो, तो बेसिकली इस जगह पे जहाँ पे ब्लैक नजर आ रहा है और नीचे वाले पोर्शन पे जहाँ पे ब्लैक नजर आ रहा है वहाँ उस साइड पे आप वेल्ड कर रहे हो। सो कॉर्नर जॉइंट, ठीक है जी, कॉर्नर पे आप जब वेल्ड करते हैं तो उसको कॉर्नर जॉइंट कहते हैं। एज जॉइंट, सो एज जॉइंट कुछ इस तरह से होता है, दोनों पार्ट को एक दूसरे के ऊपर प्लेस करने के बाद आप एज को आप वेल्ड कर रहे हो बेसिकली। टी जॉइंट, यानी कि आप एक पार्ट के सेंटर को सेंटर पे आप दूसरे पार्ट को रख के आप जब वेल्ड करते हो तो उसको हम कहेंगे सेंटर जॉइंट। सो दिस इज द एनिमेशन, दिस इज बेसिकली बट जॉइंट, वन मटेरियल एंड सेकेंड मटेरियल एक दूसरे से जोड़ने के बाद ये दिस इज द फिलर। इस फिलर को आप रोटेट करेंगे, मूव करेंगे, सो आपके पास वेल्ड होके आती है, एंड दिस पार्ट इज मेल्टिंग, दिस पार्ट इज ऑल्सो मेल्टिंग, एंड बाय मीन्स ऑफ फिलर मटेरियल दिस पार्ट्स दोनों पार्ट जो है ना वो मेल्ट हो रहे हैं आप बेसिकली। सो मेल्ट होने के बाद जब कूल करते हैं तो आपके पास दोनों पार्ट जो है ना वो वेल्डेड होके मिल जाते हैं आपको। सो लास्ट बट मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट इंटरेस्टिंग इज एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग। सो एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग क्या है? So, additive manufacturing AM is industrial production name of 3D printing. A computer controlled process that creates three-dimensional object by depositing material usually in layers. So, mostly emerging process है ये nowadays, बहुत ज़्यादा emerging process है, बहुत ज़्यादा innovations आ रही है, बहुत ज़्यादा researches हो रही है, बहुत ज़्यादा इसके types निकल के आ रहे हैं, ठीक है जी। इनोवेशन जब होती है, जब रिसर्च होती है, कोई कंट्री जब बहुत ज़्यादा फंडिंग करती है तो बहुत ज़्यादा इसके अंदर इनोवेशन आती है। सो पीएचडी की डिग्री भी मोस्टली इसमें होते हैं और आजकल बहुत ही स्कॉलरशिप्स भी ऑफर हो रहे हैं इस फील्ड में, एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग फील्ड में। सो व्हाट इज दिस? दिस एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग इज द अनदर नेम ऑफ 3D प्रिंटिंग। 3D प्रिंटिंग का नाम सुना होगा। सो 3D प्रिंटिंग को हम इंडस्ट्री में हम एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग यूज का वर्ड यूज करेंगे। सो इट इज अ प्रोसेस दैट क्रिएट्स थ्री डायमेंशनल पार्ट ऑब्जेक्ट आप थ्री डायमेंशनल ऑब्जेक्ट आप बनाते हो। सो बाय डिपॉजिटिंग, कैसे आप बनाते हो? बाय डिपॉजिटिंग मटेरियल्स यूजुअली इन लेयर्स, लेयर बाय लेयर मटेरियल को डिपॉजिट करने के बाद आपके पास ये 3D प्रिंटेड पार्ट मिल जाते हैं। सो हाउ डज एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग वर्क? सो एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग काम कैसे करता है? बहुत ही सिंपल है, बहुत ही सिंपल बट इंटरेस्टिंग है। यूजिंग कैड सॉफ्टवेयर, आप सॉफ्टवेयर पे आप कैड बनाते हो, कैड का सॉफ्टवेयर। लेट सपोज आपने एक कार का मॉडल बनाना है या फिर आपने हैंड बनाना है, आपके हाथ बनाना है, लाइक प्रोस्थेटिक हैंड्स के एग्जाम्पल है, बहुत ज़्यादा यूज होता है। सो आपने अपने हाथ की तरह का एक मॉडल बनाना है तो क्या करेंगे? उसी मॉडल को आप यूजिंग द सॉफ्टवेयर, यूजिंग द सॉलिड वर्क, यूजिंग प्रो ई या ऑटोकैड में आप उसका मॉडल बनाएंगे। इन द कैड सॉफ्टवेयर कंप्यूटर एडिट डिजाइन सॉफ्टवेयर या फिर 3D स्कैनर से आप बनाएंगे। एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग अलाउज फॉर द क्रिएशन ऑफ ऑब्जेक्ट विद प्रिसाइज ज्योमेट्रिकल शेप। सो 3D प्रिंट कैड सॉफ्टवेयर बनाने के बाद, कैड मॉडल बनाने के बाद इन द सॉफ्टवेयर आप क्या करते हो? सो आप कंप्यूटर में आप इसको फेड करते हो, आप इसको
प्रोग्राम करते हो बेसिकली, प्रोग्राम करने के बाद आप इसको बाय मीन्स ऑफ द सॉफ्टवेयर इन द 3D प्रिंटिंग मशीन. दीज आर बिल्ड लेयर बाय लेयर विच इज इन कंट्रास्ट टू ट्रेडिशनल मैन्युफैक्चरिंग डेट ऑफन रिक्वायर मशीनिंग और अनदर टेक्निक टू रिमूव द सरप्लस मटेरियल. सो आप क्या करते हो बेसिकली, लेट सपोज मैंने हाथ का एग्जाम्पल दे दिया, हाथ का मॉडल बनाया आपने कैट सॉफ्टवेयर में, तो इसको इंस्टॉल कर दिया आपको, इसको आपने अपलोड कर दिया इन द 3D प्रिंटिंग मशीन. 3D प्रिंटिंग मशीन बनाने के बाद एक्चुअली आपके पास जो हैंड है, प्रोस्थेटिक हैंड है, वो आपके पास बन के आ जाता है बाय मीन्स ऑफ लेयर बाय लेयर ऑफ द मटेरियल विच वी आर रिक्वायर विच वी जो हमें चाहिए. ठीक है जी. सो दूसरे ट्रेडिशनल प्रोसेस की तरह इसमें कोई मशीनिंग इन्वॉल्व नहीं होती. इसमें मशीनिंग में क्या हो रहा था कि रिमूवल ऑफ मटेरियल हो रही थी, ठीक है, और आपको इसमें बहुत ज़्यादा हीट इन्वॉल्व हो रही है. इसमें मशीन चाहिए आपको, एक मोल्ड चाहिए, फिर उसके बाद आप इंजेक्ट करते हो. कास्टिंग में क्या चाहिए आपको, आपको एक सैंड चाहिए. अगर सैंड कास्टिंग की बात करें तो सैंड चाहिए, एंड देन आफ्टर द सैंड कास्टिंग आप सैंड के जो कास्टिंग जो मटेरियल है मोल्ड है उसको आप तोड़ने के बाद आपके पास रिक्वायर्ड शेप आती है. लेकिन इसमें आपके क्या करते हो, इसमें सिंपली आपने सॉफ्टवेयर इन्वॉल्व है यहाँ पे. सॉफ्टवेयर से आप मॉडल बनाते हो, मॉडल को आप फेड करने के बाद आप जस्ट आप लेयर बाय लेयर उसको मशीन को रन करते हो, इसके लिए 3D प्रिंटर मशीन को रन करते हो. रन करने के बाद आपके पास फाइनल प्रोडक्ट बन के आ जाता है. सो जस्ट लाइक दिस, आपने कैड सॉफ्टवेयर केयर मॉडल बनाने के बाद आपने इंस्टॉल कर दिया. इंस्टॉल करने के बाद ये आपके पास लेयर बाय लेयर, ये लेयर जो है ना वो डिपॉजिट हो रही है. सो लेयर बाय लेयर डिपॉजिट होने के बाद आपके पास फाइनल प्रोडक्ट बन के आता है. सो दिस इज द अनदर एग्जाम्पल. ये आप बेसिकली बोल्ड बना रहे हैं, बोल्ट बाय मीन्स ऑफ प्लास्टिक, प्लास्टिक का बोल्ट बना रहे हैं. सो मटेरियल यहाँ से इंजेक्ट हो रहा है एंड लेयर बाय लेयर यहाँ पे डिपॉजिट हो रही है. सो लेयर बाय लेयर डिपॉजिट होने के बाद जब ये कूल हो जाता है तो आपके पास बहुत ही हाई सरफेस फिनिश्ड मटेरियल आपको मिल जाता है. सो दिस इज द एंड ऑफ द टुडे लेक्चर. हमने मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस पढ़ लिया, कास्टिंग, मोल्डिंग, फॉर्मिंग, मशीनिंग, जॉइनिंग एंड एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग. सो कास्टिंग, एज आई सेड कि कास्टिंग के फर्दर डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स है, 10 डिफरेंट टाइप्स है. मोल्डिंग के डिफरेंट टाइप्स है, फॉर्मिंग के डिफरेंट टाइप्स है, मशीनिंग के डिफरेंट टाइप्स है. उन सब को डिस्कस करना पॉसिबल नहीं था मेरे लिए, बट मैंने एक एक प्रोसेस को हमने डिस्कस कर लिया जो कि बहुत ही फेमस है. इन कास्टिंग प्रोसेस वी हैव डिस्कस सैंड कास्टिंग, इन मोल्डिंग वी हैव डिस्कस इंजेक्शन मोल्डिंग, इन फॉर्मिंग वी हैव डिस्कस फोर्जिंग, इन मशीनिंग वी हैव डिस्कस टर्निंग, इन जॉइनिंग वी हैव डिस्कस वेल्डिंग एंड इन एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग वी हैव डिस्कस 3D प्रिंटिंग. सो ओवरऑल आपको आज के लेक्चर का मकसद एक ओवरव्यू देना था मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस का. सो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस आपने देख लिया कि क्या क्या है, उसके इंपॉर्टेंस क्या क्या है और इसको कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज में आप यूज़ कर सकते हैं. सो उसके डिफरेंट टाइप्स कास्टिंग से लेकर एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग तक आपने देख लिया. सो अगर कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं. बाकी तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़.